मैदान में उतरे थे, मैंने देखा फील्डिंग भी बहुत बढ़िया किए थे, तो आपको लगता था कि आपकी टीम फाइनल में पहुंचेगी? हाँ, पहले ख्याल हटो के पहुंचते जा मतलब रमटाड़ा में ने उम्र जोवाड़ी न थी, क्रिकेट में खाली परफॉर्मेंस सारो जोइए। बिल्कुल सही, क्योंकि जॉन ट्राइकोस जो जिम्बाब्वे के कप्तान थे वो भी 42 साल की उम्र के बाद आए थे और उन्होंने कप्तानी की थी। ऑल द बेस्ट। और जयेश काका कहाँ गए, नजर नहीं आते टीम के ओनर जयेश काका। हम दूर जता रहो एम केम चाले। हेलो हेलो चेक भाई, हमारे बीच में जयेश काका है, टीम के ऑनर कोच सब कुछ वही है। जयेश काका, कल आप एक मैच खेल रहे थे, मेरे ख्याल से आपको चोट भी लगी थी, लेकिन दूसरी ही गेंद में आपने खून का बदला खून आप छक्का मारा था, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमने तो यही सोचा रहा था कि मैं भी मांगी थी कि टीम को फाइनल में पहुंचाऊंगा, और यह भी बोला था कि नरेश भाई के सर के ऊपर नारियल भी फोड़ेंगे। तो केशु भाई, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी जो मन्नत थी आपने सोचा था कि मेरी टीम को मैं फाइनल में लेकर जाऊंगा रिटायरमेंट से पहले, और आपकी वो मन्नत अब पूरी हो रही है? जो टीम थी सब लोग ऐसा बोल रहे थे शायद उसके मन में एक टीम सबसे, लेकिन मैंने सबको बोला हम वीक नहीं है, हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हमने खेला और फाइनल तक पहुंचे। बिल्कुल सही। और कहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है 80% माइंड गेम है और 20% जो है वो ताकत से खेली जाती है, और आपने वही किया कि आपको टीम, आपने अपनी टीम को मोटिवेट किया। बिल्कुल सही। ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स मिस्टर सुनील पटेल एंड नीरव सिसांगिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो योगेश भाई सोरठिया, प्लीज कम फॉरवर्ड। मिस्टर योगेश सोरठिया, एक जरूरी सूचना, नाना नाना बालकों ग्राउंड ऊपर गमे तेम रमे छे, एमना वालियों ने खास सूचना छे के तमारा छोकराओं ने ग्राउंड नी बाहर ले ले प्लीज। मिस्टर रॉबिन मेहता, मैन्युफैक्चर किंग्स कैप्टन, प्लीज कम फॉरवर्ड वन मिनट। हमारे बीच में मैन्युफैक्चर किंग्स के कप्तान है रॉबिन मेहता। रॉबिन, आप जब सेमीफाइनल खेल रहे थे पहली गेंद पर भी एक कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी, लेकिन उसके बाद दो गेंदों के बाद आप तीसरी गेंद पर आउट हो गए, उस वक्त आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? वाकई आप प्रेशर में थे क्या? प्रेशर में तो नहीं था, मेरे को ऐसा था खाली 5-6 सिक्सर ही मारने का था मेरे को, और नया बॉल था इसलिए मैं डिफेंस में खेल रहा था। आप डिफेंस में खेल रहे थे, लेकिन हमारे जो आधारभूत सूत्र बोलते हैं न्यूज़पेपर वाले टीवी वाले, सुनने को मिला है कि शायद अगली टूर्नामेंट हम बाउमा के साथ उधर साउथ अफ्रीका में खेलते हुए दिखाई देंगे। ना ना, उसके साथ तो नहीं खेलूंगा, शायद मौका मिले तो डिविलियर्स के साथ। डिविलियर्स के साथ हमारी बातचीत हो गई है, थैंक यू। और अब योगेश सोरठिया जो कप्तान है, कभी कोच रहा करते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर भी रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं। योगेश भाई, मैंने आज देखा था आप कई बार निवृत्ति लेते हैं, त्याग पत्र देते हैं कि मैं अपने कप्तान कैप्टनशिप से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट को आपने देखा हर बार आपका इस्तीफा नामंजूर करता है। उनका प्यार इतना आपके प्रति है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरी टीम फाइनल में नहीं पहुंची इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा? नहीं,
नहीं ऐसा कुछ है नहीं, मुझे यह सब आयोजन करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। और ऐसी टूर्नामेंट हम करने वाले हैं और जल्दी। बहुत सही, क्योंकि हमने देखा है आप लाइव वायर की तरह है, जैसे हमारे नरेश भाई चकलासिया है, निकुंज गजेरा है, फिर हितेश भाई गोटी है और राजू प्रोग्रामर, जैकब उकाणी, केतु भाई, ये सब लोग को हम देखते हैं, लगता है कि कुछ है। और आपको तो मैं हमेशा देखा है कि आप कई बार जैसे अपनी टीम को छोड़कर जो धर्मनंदन की टीम होती है उनके कोच के रूप में नजर आते हो, इसके पीछे क्या राज है? मेरे जो खिलाड़ी है वो सबको मैं एकटा करने में मेरी जिंदगी चली जाएगी, इसीलिए। बिल्कुल सही, धन्यवाद। हम बात करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं केयूर पंचाल जी को। श्री केयूर पंचाल, हेलो हेलो, क्लेविंग चैंप्स के कप्तान है। और केयूर भाई, एक चीज आज मैंने देखा कि भार्गव मिट्टे 6 रन बना रहे थे और उस वक्त शायद रन नहीं भी था मेरे हिसाब से, बट आपके हिसाब से वो रन था, इसीलिए भार्गव ने आपको वापिस भेजा। एक चीज होता है कि जब आप अपनी पॉपिंग क्रीज से बाहर निकल जाते हो तो वापिस आना बहुत दिक्कत होती है, वही वजह तो नहीं थी कि आप रन आउट हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम ने, यू प्लेड वेरी नाइस हार्ड क्रिकेट, आ टीम एक भी मैच फाइट करिया वगर नहीं जीती, सो तमने बद्दा ने घना अभिनंदन। आपने कोई भी टीम ने 15 ओवर नी मैच में जो 100 रन माटे आटली टफ फाइट आपता हो तो वी आर गुड इनफ। अने जे सरे पूछू तेना माटे ए रन नी हतो, मारी भूल हती जेमा ए हूँ रन आउट थई गयो। यही खेल भावना खेल को ऊंचे स्तर पर ले जाती है। आपने स्वीकारा, आपने अपने खिलाड़ी को डांटा और ये भी बताया कि वहां पर मेरी गलती थी, हालांकि वो प्रेशर में जरूर आए थे लेकिन मिठाई वाला ने मिठाई बांटते बांटते रन जरूर बनाए, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो फासला था वो लंबा रह गया। डेफिनेटली भार्गवे आ सीरीज में घनी मेहनत करी है, हूँ एक्चुअली 10-10 अने मारा साथे 13 प्लेयर बधाज ग्राउंड में मेहनत करी है, भार्गव, विशाल, पीवी, पीआर, निलेश भाई, निकुल अने मारो एक एक प्लेयर, અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આપણે ટીમ જોઈએ છીએ, મિક્સ કરીને રમીએ છીએ, એટલે તરત એક ટીમ બનાવી ગ્રુપ થઈ જવું છે, પણ 13 પ્લેયરને દિલથી ઘણા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, તમે ઘણો સપોર્ટ કર્યો અને ઘણો હાર્ડ રહ્યા છો, થેન્ક યુ। અબ મે આપકી ટીમ કે કોચ હે ચકલાસિયા જી, ઉનકો આમંત્રિત કરતા હું યહાં પર આયે। તુષાર ભાઈ ચકલાસિયા हमारे स्टेटिस्टिशियन स्कोरर व्रज चकलासिया के पिताश्री है लेकिन टीम के कोच है, वांधा नहीं है तो हम गुजराती में पूछेगा। तो सर भाई, तमे जरे आखी टीम ने आटलू मार्गदर्शन आपता हो छो त्यारे तमने शू लागे छे के खरेखर आ छोकराओ पाछळ आटली मेहनत करी छे ए लेखे लागे छे? अमारी टीम ना जे प्लेयर छे ने एने ठेठ उधी बधी मेहनत करी छे, एक के एक એક એક પલમાં જે બોલિંગ લાઈન અને બેટિંગ લાઈનમાં પૂરેપૂરું ધ્યાન આપીને સરસ કામ કર્યું છે, જે હોરનની અંદર સામે લડત આપી ઠેઠ સુધી છેલ્લી ઓવર સુધી, એ જ મહત્વનું છે, એવી દરેક ટીમ હોવી જોઈએ। થેન્ક યુ વેરી મચ અમારી સાથે વાત કરવા બદલ। ઓર સબસે ફેમસ જો પી સીઝન બદલ ગઈ હે, પોકી આ ગઈ હે, લેકિન ફિર ભી उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला, ऐसे कमलेश घऊ वेचू। दोस्तों आपको बता दूं कि जो कमलेश है ये इस टूर्नामेंट का DDPL 22 का इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने पहली मैच में अर्धशतक लगाया, 80 रन बनाया, दूसरी मैच में भी 108 रन बनाए नाबाद, यानी अर्धशतक और शतक घाव वे चुके हैं, वो सरनेम बदलना ही नहीं चाहते। पॉक का सीजन भी आ गया लेकिन वो बोलेंगे कि हम घाव वेचू हैं। कमलेश भाई आपको कैसा लग रहा है? टीम बहुत अच्छा किया, कल ऑरेंज कैप पहनकर आप घूम रहे थे लेकिन टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। थोड़ी कैचिंग प्रैक्टिस मिस्टेक ना लीडे हारी गया,
બાકી ટીમ એફર્ટ ને એટલે બધું બરાબર જ હતું. બોલિંગ ની પ્રેક્ટિસ થઈ શકે, કેચિંગ ની હવે બીજી વાર ધ્યાન રાખશું. થેન્ક યુ કમલેશભાઈ, ઘઉં વેચ્યું. અબ ગ્રાન્ડ ફિનાલે મેચ કુછ હી ક્ષણો મેં શરૂ હોગા. રોહન પટેલ ઓર મનોજ ગિરી એક મિનિટ કે લિયે ઇધર આ જાય પ્લીઝ, ઓનલી વન મિનિટ. હાલ હાલ બીજા બધા ખેલાડીઓ લાઈન અપ થઈ જાય. રોહન પટેલ પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. પ્લાનર ટાઇટન્સ ની ટીમ જલ્દી પહોંચે મેદાન પર. હલો હલો, એક જરૂરી સૂચના. પ્લાનર ટાઇટન્સના કેપ્ટનને નમ્ર નિવેદન છે કે જલ્દીથી જલ્દી ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં પોતાની ટીમ જોડાય. પ્લાનર ટાઇટન્સના કેપ્ટન વીરેન પટેલને જણાવવાનું કે જલ્દીથી જલ્દી પોતાની ટીમને લઈને પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની પાસે આવે જલ્દીથી. વીરેન પટેલ અને ગોમનાથ યોર જે બે ટીમ વચ્ચે નેકરવાણી અહીંયા આવી જાય. રોબિન મહેતાની ટીમ ડાબી બાજુ જશે અને પેલા મૈસુરિયન ટીમ જમણી બાજુ. ભાઈ કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ નહીં ને? ઘઉં વેચું અને સીધી સીધસઠ વાત છે. આ જે દોયડું બાંધ્યું ને એની પહોંચી સીધા સીધા જવાનું અને જ્યાં દોયડું વાંકું વળે તો વાંકું વળવાનું, બાકી ઘર ભેગા નહીં થતા. અને આ ગામના દિયો રહી ચમ આવ્યો. એડીપી વોરિયર્સ જલ્દ સે જલ્દ યહાં પર ટીમ આ જાય ગ્રાન્ડ ફિનાલે પરેડ કે લે. એડીપી વોરિયર્સ પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ.
एडीपी वॉरियर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, जल्दी आओ, वच्चे थी आवता रहो, वांधो नथी। एक अगत्यनी जाहेरात, जेटला दर्शको उभा छे तेमने नम्र विनय निवेदन छे, नीचे बेसी जसो तो पाछळ बैठेला ने आ बधुं देखी शकाशे। ग्रैंड फिनाले सेरेमनी कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैदान के बाहर चले जाए, जो प्लेयर्स है और टीम ओनर्स के अलावा बाकी सब बाहर। कश्यप, नीरव गोटी, बद्दा नीचे आवी जाओ। निहार गोटी, आई बेग योर पार्डन।
और यहाँ पर ग्रैंड फिनाले परेड शुरू हो चुकी है। रॉबिन मेहता की अगुवाई में बाई और केयूर पंचाल की अगुवाई में दाई और टीम जाती हुई। बहुत ही सुंदर दृश्य जॉइंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रॉबिन मेहता की टीम एरियल व्यू सुंदर दृश्य यहां पर डीडी स्पोर्ट्स सेंटर पर आपके सामने नजर आता हुआ। और एरियल व्यू में आप देखिए दोनों प्लेयर्स देन ए और बी और यहां पर संगम होता हुआ दोनों साइड की टीमों का। कश्यप पटेल के हाथ में मसाल, साथ में निहार गोटी पूजन पटेल। कदम मिलाती हुई सभी टीमें की दोनों साइड को कवर करती हुई दोनों टीम। रंग बिरंगी पोशाक में नजर आती हुई टीम वहां पर और ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली दो टीम हमारी दाई और ईडीपी वॉरियर्स और दाई और प्लानर टाइटंस। कश्यप पटेल हाथ में मसाल लेकर, साथ में निहार गोटी पूजन पटेल। कदम से कदम मिलाती हुई दोनों टीम मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई। ग्रैंड फिनाले परेड वॉरियर्स और प्लानर टाइटंस। फिनाले परेड फाइनल की दोनों टीम ब्लू कलर में ईडीपी वॉरियर्स और डार्क ग्रीन के साथ प्लानर टाइटन जोरदार तालियां। साथ यहां पर बहुत ही बढ़िया फायरवर्क्स। तालियों के साथ उनका अभिवादन करते हुए बाकी बची हुई छह टीमें
और यहां पर दोनों फाइनलिस्ट टीम हमारी बाईं और दाईं ओर, लेफ्ट साइड में एडीपी वॉरियर्स और राइट साइड में प्लानर टाइटंस। कश्यप पटेल हाथ में मसाल लेकर नजर आते हुए, पूजन पटेल और निहार गोटी। अब मैं आमंत्रित करता हूं धर्मनंदन डायमंड के चेयरमैन श्री लालजी भाई पटेल और बाकी 8 टीमों के ऑनर्स यहां पर आए और सर टॉस करवाए। श्री लालजी भाई पटेल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए चेयरमैन ऑनर्स ऑफ श्री धर्मनंदन डायमंड लालजी भाई पटेल। 8 टीमों के ऑनर्स भी यहां पर पहुंचे साथ में। पीयूष भाई पटेल हमसे जुड़ते हुए और म्यूजिक प्लीज। और दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सूरत के लाडले पुत्र रणजी ट्रॉफी प्लेयर श्री चिराग गांधी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिराग गांधी। गुजरात की ओर से रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया था। छब्बीस मैचों में 42 इनिंग खेली थी, 1409 रन बनाए थे, सर्वाधिक 169 रन, एक शतक, 10 अर्धशतक, 169 रन श्री चिराग गांधी। और हमारे बीच में आते हुए श्री लालजी भाई पटेल चेयरमैन धर्मनंदन डायमंड्स और टीम ऑनर्स और दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि यहां पर आ जाए। और श्री चिराग भाई गांधी प्लीज कम फॉरवर्ड। चिराग भाई गांधी हमारे बीच में है, गुजरात की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेले हैं। और दोस्तों बता दूं कि चिराग भाई गांधी ने 168 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि वो सूरत में जन्मे हैं। उनके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उनके माताजी हाउसमेकर हैं। और एक चीज बता दूं कि उन्होंने क्या क्या किया था 11 साल पहले जब गुजरात की तरफ से वो खेलने गए थे, डेब्यू किया था। जैसे ही उन्होंने स्कूल से स्कूलिंग किया उसके बाद एसपीबी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम ने ग्रेजुएशन किया, तुरंत उनको पोस्ट में जॉब मिला था गवर्नमेंट का। 3 साल का जॉब करने के बाद अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी उनको जॉब मिला था। और हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे बीच में है, तो टॉस कराने के लिए आमंत्रित करता हूं। और यहां पर टॉस करा रहे हैं श्री चिराग गांधी जी, प्लानर्स के कप्तान। डीडीपीएल को हल किया है और ये डीडीपीएल। सर हमारी एक परंपरा है कि जो टीमें टॉस जीती है उनको ये दिया जाता है, गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ ये मेडल है। और कप्तान बीरेन पटेल, एक सेकंड, आप टॉस जीता है क्या करना चाहोगे? पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग करना चाहोगे, इस विकेट पर आप कितना रन बनाना चाहोगे? 150 प्लस। 150 प्लस कह रहे हैं यहां पर। और अब हमारे बीच में केशुभाई है। केशुभाई आप ये बताइए कि आप कितने रन में उनको रोकना चाहोगे, क्योंकि वो 150 प्लस बनाना चाहते हैं। हम उसको 100-110 के रोक लेंगे। 100-110 के बीच में रोकना चाहेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि पहले आपकी टीम का इंट्रो कराएं। पीयूष भाई प्लीज कम फॉरवर्ड। वीरेन पटेल,
केशुभाई इंट्रो कराते हुए अपनी टीम का, जो 2022 की फाइनल मैच की दोनों टीमें, ग्रैंड फिनाले मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। म्यूजिक प्लीज। चिराग भाई हमारे बीच में है, तो चिराग भाई से पूछना चाहेंगे कि चिराग भाई आपने तो कई मैच खेले होंगे, लेकिन एक प्राइवेट फर्म इस टाइप का टूर्नामेंट का जब आयोजन करती है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, हम लोग भी ऐसे ग्राउंड पे खेलते हैं। आपको बहुत नसीब है तो आपको ऐसे ग्राउंड पे अभी खेलने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पीयूष भाई जो मतलब हम लोग बहुत टाइम से फ़ोन पर ही कांटेक्ट थे, लेकिन पहली बार ये ग्राउंड देखा। अब ये समझ लो कि आप ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फैसिलिटीज़ होती है ना, ऐसे वाले ग्राउंड पे आप मैच खेल रहे हो, ठीक है। तो अपना दोनों टीम को मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक जीतने वाली है एक हारने वाली है, लेकिन आपको पूरा जोर लगाना है जीतने के लिए। आप फाइनल तक पहुंचे तो ये आपने काफ़ी मेहनत किया होगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो तुम्हारे पूरा जोर लगावानु छे अने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी सामने हरावा माटे ज रमवानु होय छे, बराबर। थैंक यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे बीच में चेयरमैन धर्मनंदन डायमंड के श्री लालजी भाई पटेल यहाँ पर उपस्थित है, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर हमें आशीर्वचन दे श्री लालजी भाई पटेल। धर्मनंदन टूर्नामेंट में भाग लेना रा तमाम क्रिकेट सभ्यों ने तमाम ने खूब खूब शुभेच्छा आपू छू। आ रमत में जोवा वाला ने तो बधाने मजा आवे, हारे के जीते इंतजारी होय में बहुत मजा आवे, પણ મને આ ભાઈ જે દરેક ભાષામાં કોમેન્ટ્રી આપે ને એમાં મને એથી વધારે મજા આવે, એટલે એમને પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ, કારણ કે આખી ટુર્નામેન્ટને જોશ આપવા માટે એના શબ્દ બહુ કામના છે, એટલે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આમાં જે જીતે એને એડવાન્સ અભિનંદન આપું છું। ઓકે, થેન્ક યુ। અમારે બીચમાં પિયુષભાઈ ભી હે, પિયુષભાઈ કુછ कहना चाहोगे? आई थिंक हमारी पहली टूर्नामेंट है, घना तीन चार वर्ष थी मने कैक ने कैक इंजरी होय छे, तमने खबर छे बधाने, अने चिराग भाई नी मुलाकात एक्चुअली डॉक्टर ने त्यां थई थी, एटले डॉक्टर कहे छे ई भी गांडा छे क्रिकेट माटे ने आ भी गांडो छे, एटले अमे त्यार थी टच में हता अने आजे मुलाकात थई। તમને તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું ચિરાગભાઈ, અને પૂરી એન્જોય કરો મેચ, ઓકે, ગુડ લક ટુ બંને ટીમ। થેન્ક યુ પિયુષભાઈ। ઓર હમારે ભાઈ ઓર શ્રી હિતેશભાઈ પટેલ ભી ઉપસ્થિત હૈ, વો ભી ઇસ અવસર પર હમે સંબોધિત કરેંગે શ્રી હિતેશભાઈ પટેલ। જય સ્વામિનારાયણ। ચિરાગભાઈ તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા DDPL ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર,
કારણ કે તમારું જોશ અને તમારી શું કહેવાય ઈચ્છાશક્તિ, એમાં અમારી ટીમ એ લોકોને જે તમે જુસ્સો આપ્યો છે કે ભાઈ આ ગ્રાઉન્ડ સારું છે અને અહીંયા આવું ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું જ ગ્રાઉન્ડ છે, જો કે બધા ફૂલ એન્જોયથી જ રમે છે, અને હજી આ જે ટીમમાં જેમ એણે કીધું કે પૂરા જોશથી તમે રમજો અને મજા તો પ્રેક્ષકોને આવવી જોઈએ એવા જોશથી રમજો, તો શું છે લોકો બધા બીજી વખત એમ કે આ ક્રિકેટ ક્યારે ગોઠવવાની, તો બેવ ટીમને ગુડ લક, બેસ્ટ ઓફ લક, જે જીતે વહી સિકંદર. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ હિતેશભાઈ. અબ સભી સે નિવેદન હૈ કે અપને સ્થાન પર ખડે હો જાય રાષ્ટ્રગીત કે સન્માન મેં, પ્લીઝ જો દર્શક બેઠે હૈ સાવધાન કી મુદ્રા મેં ખડે હો જાય. દર્શકોને વિનંતી, જે લોકો બેઠા છે તે રાષ્ટ્રગીતના સન્માનમાં ઊભા થઈ જશે સાવધાનની મુદ્રામાં. રાષ્ટ્રગીત શરૂ કર. જનગણ મન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ બંગા, વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્છલ જલધિ તરંગા, તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશિષ માં માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. થેન્ક યુ. ઓર સભી ટીમ જૈસે આઈ થી ઉસી તરહ વાપિસ અપને સ્થાન પર જાયેગી. एडीपी वॉरियर्स के कप्तान को निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने अंतिम 11 प्लेयरों की सूची कमेंट्री बॉक्स पर भिजवा दे. और यहाँ पर जो पिच रिपोर्ट से वो आपको बता दूं कि ये जो पिच है अभी भी इतनी ही हार्ड है, उसके ऊपर इतनी कुछ दरारें भी नहीं है, जो ग्रास है वो काफी कम है यहाँ पर, और देखा जाए तो अभी भी हार्डनेस उतनी है, अच्छी तरह बैट पर आएगी. लेकिन જો દૂસરી ઇનિંગ મેં ગેંદબાજી કરેગી ઉસ ટીમ કે લિયે થોડી દિક્કત યે હૈ કે યે જો આઉટફિલ્ડ તો એકદમ સુખા હૈ, લેકિન જૈસે જૈસે ઓસ ગિરેગી આઉટફિલ્ડ ગીલા હોતા જાયેગા, ગેંદ ભારી હોતી જાયેગી, યાની બોલર્સ કે લિયે થોડી તકલીફ હોગી, લેકિન 140 સે 150 કે બીચ કા સ્કોર યહાં પર ફાઇટિંગ સ્કોર રહેગા. ઓવર ટુ નીરવ સિસાંગિયા. હલો. એડીપી વોરિયર્સના કપ્તાન કેશુભાઈ બામણિયા, 11 તેઓની પ્લેયરની સૂચિ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જલ્દીથી મોકલાવો. એક
હલો હલો પ્રેક્ષકોને ખાસ સૂચના, જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે તો ધીમે ધીમે બધા રસોડા તરફ જમવા જઈ શકે છે. જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. नमस्कार, मैं रमेश पटेल आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं ग्रैंड फिनाले मैच में. अभी अभी हमारे पास वेदर रिपोर्ट आ चुकी है. तापमान का पारा गिरता हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, हवा का दबाव 1014 मिलीबार और हवा की गति उत्तर से पश्चिम की तरफ रहेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी का प्रमाण 35%. और इस मैच को 197 देशों में YouTube के जरिए लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हमारे दर्शक. www.ddpl.cric पर आप जाकर हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और YouTube पर इस मैच का सीधा प्रसारण आप देख सकते हो. और धवल रोशनी से जगमगाता मैदान, तब तक के लिए गुजराती समाचार. આકાશવાણી સમાચાર સવાયલાલ અજમેરા વાંચી સંભળાવે છે. આજે ડીડી સ્પોર્ટ સેન્ટર ખાતે ફાઇનલ મેચ થોડી જ ક્ષણોમાં રમાશે તેમ અમારા સંવાદદાતાનો રિપોર્ટ જણાવે છે. ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવનારી ટીમ પ્લાનર ટાઇટન્સ અને ઈડીપી વોરિયર્સની ટીમ હતી. અમારો હવામાન ખાતાનો વર્તારો જણાવે છે કે આકાશ મુખ્યત્વે સ્વચ્છ રહેશે. રાતના 12 વાગ્યા પછી બરફ પડવાની વકી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં અમારા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગુજરાતના જાણીતા સુરતના સુપુત્ર શ્રી ચિરાગ ગાંધી અહીંયા પધાર્યા હતા અને તેમના વરદ હસ્તે ટોસ કરાવવામાં આવ્યો હતો. અમારા સંવાદદાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે પ્લાનર ટાઇટન્સે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. અમારા વરિયાવના સંવાદદાતા યોગેશ સોરઠિયાના જણાવ્યા પ્રમાણે આકાશમાં કોઈ પણ જાતના વરસાદની વકી નથી, પડે તો બરફ પડવાની વકી હોઈ શકે છે. આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા.
हमारे बीच में जो चिराग भाई गांधी मौजूद है उनके बारे में थोड़ा बता दूं, 18 जून 1990 सूरत में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जयेश कुमार गांधी एक बिजनेसमैन और माताजी रूपाली बेन होम मेकर, और कहा जाता है कि चिराग भाई गांधी के अंदर बचपन से ही क्रिकेट के गुण थे, तो उनके पिताजी ने उनको क्रिकेट खेलने के लिए पूरा अवकाश दिया। उन्होंने एमटी जरीवाला हाई स्कूल से अपना स्कूलिंग किया 2010 तक, इसके बाद बीकॉम डिग्री किया था एसपीबी इंग्लिश मीडियम कॉमर्स कॉलेज सूरत से। मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने पोस्ट में गवर्नमेंट के 3 साल जॉब किया था, इसके बाद 2014 में उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अहमदाबाद में पोस्टिंग मिला था। 2011 में 21 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू किया था मुंबई के खिलाफ, और उनके बारे में बता दूं फर्स्ट क्लास मैच 26 खेले 42 इनिंग्स 8 बार नॉट आउट रहे, 1409 रन बनाए, सर्वाधिक 169 रन 41.44 की एवरेज से, 1 शतक और 10 अर्धशतक लगाए थे, 180 चौके और 12 छक्के लगाए थे। प्लानर टाइटंस के कप्तान वीरेन पटेल कमेंट्री बॉक्स में जल्दी पहुंचे। प्लानर टाइटंस के कप्तान वीरेन पटेल, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इस मैच की रनिंग कमेंट्री आपके तक इसीलिए पहुंच रही है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे स्टेटिस्टिशियन स्कोरर व्रज चकलासिया, दीपेश पागड़ीवाला, मित्रेश डाभी, और जो मैनुअल स्कोर कार्ड है उसमें राउसमल, दीपमल और उसके साथ विजय मियाणी, और हमारे प्रोग्रामर राजू प्रोग्रामर ओवल और कोऑर्डिनेटर, साथ में नरेश भाई चकलासिया, निकुंज गजेरा, हितेश भाई गोटी, और हमारी कैमरा टीम भावेश, प्रदीप गजेरा, लाल भाई, धर्मेश भाई। और इस टूर्नामेंट में सफल बनाने में हमारे जो स्वयंसेवक वॉलंटियर्स हैं
वो बिल्कुल सजाग सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। वैसे नरेश भाई चकलासिया की टीम, आशीष लक्कड़ जी की टीम और मयूर जाधव जी की टीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वॉलंटियर्स का, साथ में हमारे सिक्योरिटी टीम। अपने ब्लैक साइड स्क्रीन छे तेनी पासे जे बी डेन पासे बैठेला छे खिलाड़ी दर्शकों ने विनंती त्यांथी दूर बैसो। और हमारा जो कमेंट्री आप तक पहुंचता है वो नेशनल साउंड सुधीर भाई, समीर भाई और उनकी टीम। और यहां पर एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। रमेश पटेल, मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पटेल नीरव सिसांगिया के साथ मैदान पर दो ही मिनट के अंदर ग्रांड फिनाले मैच शुरू होगा। हेलो हेलो और यहां पर दोनों टीम आ चुकी है ग्रैंड फिनाले मैच 2022 5 4 3 2 1। लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले। ए
एडीपी वॉरियर्स की टीम फील्डिंग में पहुंच चुकी है और प्लानर टाइटंस की प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर। प्रकाश राणा और वीरेन पटेल। मुकेश राणा रेलवे छोर से पहली गेंद लेकर गेंद काने का इंतजार किया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन भाकर पूरा किया, खाता खोला प्रकाश राणा ने अपना। प्लानर टाइटंस एक रन बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर चल रहा है। और इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, ऑफ्टम के बाहर की गेंद नीचे भी रही थी, ये गेंद पिछले गेंद के मुकाबले। मुकेश राणा रेलवे छोर से गेंदबाजी करते हुए वीरेन पटेल को, और इस बार गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका। और इस बार गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही थी गेंद को, कट किया था, दिशा दिखाई थी, कवर क्षेत्र में कोई रन नहीं। चार पर खेल रहे वीरेन पटेल, प्रकाश राणा खेल रहे एक पर। मुकेश राणा की अगली गेंद, और इस बार गेंद की लाइन में नहीं आए थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, बल्ला घुमाया, संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं। और इस बार स्टंप को कवर किया, जाने दिया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त ने भी अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन। और इस बार बैकफुट पर जाके सही सम्मान देते हुए, केवल पुश किया था ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, प्लानर टाइटंस पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों से निवेदन है कि मास्क अवश्य पहने, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और बाउंड्री लाइन से बच्चों से भी निवेदन है, कृपया 2 मीटर दूर बैठे। गेंदबाजी में आ रहे हितेश राणा, इनिंग्स का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर, सामना कर रहे हैं प्रकाश राणा, बाएं हाथ के बैट्समैन और दाएं हाथ के गेंदबाज, का जोड़े को सजाते हुए स्क्वायर लेग पर अंपायर गिरीश भाई। और इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन डीप मिड ऑन से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन हल्के हल्के कदमों के साथ सामने वाले छोर पर। और यहां पर बढ़िया कैच हो सकता था, गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका। मैं हूं खलनायक। टीम का स्कोर 2 अंकों में 11, 8 पर पहुंचे वीरेन पटेल 2 चौकों के साथ,
सामना करेंगे हितेश राणा की अगली गेंद का। और इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई, बढ़िया फुल शॉट। और इस बार उठा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छह रन के लिए। और छोटे छोटे बच्चे भी आनंद लेते हुए एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर चार रन। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए वीरेन पटेल, ही इज ऑन फायर, ही मूव्स ऑन 16। और इस बार ऑफ स्टंप को कवर किया, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, वाइड का इशारा अंपायर का, बिली बॉर्डन की याद दिलाते हुए हमारे अंपायर, बिल्कुल स्टाइलिश अंपायर डीडी स्पॉट सेंटर आपकी कैमरे जायंट स्क्रीन पर नजर आता हुआ। इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, एक बार और वाइड का इशारा अंपायर का, गेंद में तेजी लाने की कोशिश में दिशा से भटकते हुए हितेश राणा, लगातार दो वाइड कर चुके हैं इस ओवर में। और इस बार गेंद को आने दिया, कलाई के सहारे मोड़ दिया गेंद को, स्क्वायर लेग से आए फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक एक रन। दर्शकों ने विनंती के जमवानू चालू थई गयु छे, तो तमारा पास लेने जमवा माटे जई सको छो। और इस बार एक कदम बाहर निकाला, गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर डीप कवर पर, केवल एक रन मिलेगा यहां पर बैट्समैन को। दो ओवर की समाप्ति पर प्लानर टाइटंस अपने प्लानिंग के हिसाब से चलते हुए 23 रन बिना किसी नुकसान के, 23 runs without loss after 2 overs. Viren Patel playing with 17 in 9 deliveries. Prakash Rana playing with 3 in 3 deliveries. Hitesh Rana 1 over, he conceded 17 runs and no wicket. Mukesh Rana 1 over, he conceded 6 runs and no wicket. काफी लंबा रन अप यहां पर नए गेंदबाज मनीष पटेल का। और इस बार एक कदम बाहर निकला, हल्के से पुश किया, हाना करते हुए रन लेना चाहते थे, वापिस भेजा प्रकाश राणा को। और इस बार खेल दिया लॉग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, तेजी के साथ स्कोर कर थ्रो करते हुए बहुत, लेकिन काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों में सुरक्षित अपने क्रीज पर पहुंच चुके थे। तीसरा ओवर चल रहा है, 24 रन बिना किसी नुकसान के, मनीष पटेल की अगली गेंद। और इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया, लेकिन ऑफ साइड में प्रोटेक्शन, कोई रन नहीं, बहुत ही सुंदर फील्डिंग।
और इस बार गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन वीरेन पटेल। मनीष पटेल की ये गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, ब्लॉकल में डालने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, बॉलर के ठीक सामने खेला, हल्की सी मिसफील्ड लेकिन कोई रन नहीं। एक बार फिर ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया था बैकफुट पर जाकर हल्के से दिशा दिखाई थी कवर क्षेत्र में, मिड ऑफ से गए फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन प्रकाश राणा। आफ्टर थ्री ओवर्स 26 रन्स विदाउट लॉस प्लानर टाइटंस वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट इन ग्रांड फिनाले 2022। छोटे छोटे बच्चे मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं जायंट स्क्रीन पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आए हैं रेलवे छोर से, राहुल राणा सामना कर रहे हैं प्रकाश राणा। और इस बार गेंद को खेल दिया ऑफ साइड में, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते कोई रन नहीं। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर यहां पर मैच खिलाई जा रही है। और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया था ऑन साइड में, मिड ऑन क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते मिड विकेट के फील्डर तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन। तापमान का पारा गिरता हुआ 19 डिग्री सेल्सियस। अठारह पर खेल रहे वीरेन पटेल, चार चौके शामिल। और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला स्ट्रेट ड्राइव चार रन के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका। मंगलवार नी राते लाइट लब जब मंगलवार नी राते लाइट लब जबा जब थाए, लाइट लब जबा जब थाए, मने पासल रे बोलावे, मने वाड़ा। और एक बार फिर लॉफ्ट एड ड्राइव, इस बार डीप मिड ऑन के ऊपर से उठा दिया है छह रन के लिए। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट पर, प्रोटेक्शन केवल एक रन मिलेगा, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए वीरेन पटेल पहुंचे 35 पर, पांच चौके और दो छक्के शामिल, 233 का स्ट्राइक रेट। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 44 रन, 11 रन प्रति ओवर, रन बनाने की रन गति
इस मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब के जरिए 197 देशों में हो रहा है। www.cricket.ddpl पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हो, cricket.ddpl.com पर जाकर। राहुल राणा 1 ओवर 18 रन और कोई विकेट नहीं। मनीष पटेल 1 ओवर 3 रन और कोई विकेट नहीं। और इस बार लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, फील्डर वहां पर आते एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बैट्समैन वीरेन पटेल। वीरेन पटेल इज ऑन फायर, ही मूव्स ऑन 37 इन 16 डिलीवरीज। महर्षि पारेख इस बार जायंट स्क्रीन के ऊपर से उठा दिया है 6 रन के लिए, इसी के साथ 50 रन पूरे प्लानर टाइटल्स के 50 रन। और इस बार घूम कर मारने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन में नहीं आए थे वीरेन पटेल, वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, स्कोर पहुंचा 53 रन। 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनल में पहुंचाया है अपनी टीम को। और यह गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इस टूर्नामेंट का 181वां छक्का, राजू प्रोग्रामर बता रहे थे कि 84 मीटर लंबा छक्का लगाया था वीरेन पटेल ने। और इस बार कट करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विकेट कीपर ने गैदर किया, कोई रन नहीं। चक्रवात मैदान पर आया हुआ वीरेन पटेल के नाम का, उनका परिवार इस मैच का आनंद लेते हुए। इसी के साथ 50 रन पूरे, डिपिड विकेट के ऊपर से 6 रन। शारजाह में जब ऐसा चक्रवात आया था और सचिन तेंदुलकर ने जो पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिल्कुल उसी तरह यहां पर वीरेन पटेल नाम का चक्रवात मैदान पर, 20 गेंदों में 55 रन, 5 चौके और 5 छक्के शामिल। उनकी धर्मपत्नी बैठी है, उनके ऊपर से उठाकर छक्का मारा था इस बार, उनको समर्पित कर रहे थे। महर्षि पारेख एक बार फिर वापस जाते हुए, डेड बॉल का इशारा अंपायर का, वापस अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार उठा दिया है गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और आज हमारे बीच में जैसे यहाँ पर चक्रवात आया है, उसी तरह हमारे जाने माने मेहमान एसआर के ग्रुप से श्री ईश्वर भाई धोलकिया, गोल्डी सोलार के चेयरमैन श्री ईश्वर भाई धोलकिया, उनके साथ मुकेश भाई रिजिया और बालकृष्ण भाई यहाँ पर पधारे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जयंती भाई नारोला हर वक्त आते हैं, इस बार वो किसी शादी में गए हैं, इसलिए उन्होंने मैसेज भेजा है धर्मनंदन डायमंड को इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए। धन्यवाद जयंती भाई नारोला आपका मैसेज के लिए।
पांच ओवर की समाप्ति पर 71 रन धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 61 पर पहुंचे वीरेन पटेल। लगातार तीन गेंदों में तीन छक्के। और इस बार फुल टॉस गेंद, हल्के से पुश किया गेंद को स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। राणा जी आज केवल दर्शक बनकर देख रहे हैं इस मैच को। जैसे ही अर्धशतक लगाया था, इस बार गति में परिवर्तन किया था, धीमी गति की गेंद, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑफ पर, जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक रन पूरा कर चुके थे प्रकाश राणा। स्ट्राइक को रोटेट किया यहां पर प्रकाश राणा ने, अच्छी बुद्धिमानी का प्रदर्शन। और इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड ऑन क्षेत्र में, चार रन का इशारा अंपायर का। और इस बार ब्लॉक होल में डाला था, गेंद को दिशा दिखाई, गेंद आ रही पॉइंट बाउंड्री की तरफ, गेंद के पीछे फील्डर, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। सो टोटल मूव्स ऑन 78 विदाउट लॉस, सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस। वीरेन पटेल प्लेइंग विद 67 इन 23 डिलीवरीज, 6-4 एंड 6 सिक्सर्स। और इस बार पैर पे लगी थी हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। बहुत ही सुंदर आयोजन यहां पर DDPL 2022 का। और यहां पर साफ बोल्ड कर दिया वीरेन पटेल, 67 रन बनाकर वापस पवेलियन में। वीरेन पटेल 32 मिनट क्रीज पर रहे, 26 गेंदों का सामना किया, 67 रन बनाकर वापस पवेलियन में, 6 चौके और 6 छक्के शामिल। धुआंधार बल्लेबाजी कर वापस पवेलियन लौटे हैं वीरेन पटेल, कप्तानी पारी यहां पर प्लानर टाइटंस के लिए। 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन, मनीष पटेल 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, महर्षि पारेख 1 ओवर 27 रन कोई विकेट नहीं। आगे का आंखें दिखाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं श्री सुनील पटेल जी। थैंक यू रमेश भाई। 78 लॉस ऑफ 1 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर। रेलवे लाइन से गेंदबाजी का भार संभालते हुए मुकेश राणा। इस बार ऑप्शन से बाहर कट करना चाहते थे प्रकाश राणा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। वीरेन पटेल की धुआंधार पारी की बदौलत प्लानर टाइटंस 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन पहुंचा दिया है। और इस बार प्रकाश राणा ने पोल कर दिया है, गेंद जारी है डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, एक ही रन के साथ संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
और ब्लॉक ऑल में डाली हुई गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में कारपेट के सहारे जब तक उसे फेल करते। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। और इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप स्वेल क्षेत्र में जब तक उसे फेल करते। प्रकाश राणा एक रन पूरा कर चुके थे, इसी के साथ प्रकाश राणा पहुंच चुके हैं 9 रन पर, उनका साथ दे रहे हैं रोशन वेंगड़े आए हैं। इस बार रोशन वेंगड़े ने उठा के मारा है, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का, बहुत ही खूबसूरत चौका। इस बार काफी बाहर गिरी गेंद, टप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। खेल दिया है यहाँ रोशन ने, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, कारपेट के सहारे उसे फेल किया जाएगा जब तक उसे फेल करते रोशन एक रन पूरा करेंगे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन 87। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटन्स, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दर्शकों से भरा हुआ खचाखच ये डीडी स्पोर्ट्स सेंटर ग्रैंड फिनाले का आनंद लेते हुए सारे दर्शक यहां पर आमंत्रित मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद को पूरी तरह से चुके विकेट कीपर की अल्टी मिसफील, इसी दौरान एक रन बहुत तेजी के साथ भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। आमंत्रित मेहमानों का एक बार फिर से मैं धर्मनंदन डायमंड्स परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जब तक उसे फील कर, बहुत तेजी के साढ़े रन के लिए भाग पड़े थे, हल्की सी मिस फील, दूसरा रन देना चाहते थे लेकिन वापस अपने कदम खींच लिए क्रीज के अंदर। इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को पुश किया कवर के फील्डर जब तक उसे फील करते, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। इस बार गेंद कप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के 4 रनों के लिए। चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी। पटकी हुई गेंद खेल दिया यहां पर डीप मिडविकेट क्षेत्र में जो फील करते, एक रन पूरा कर लेंगे, दूसरा रन बहुत तेजी के साथ भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी बीच 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन 96। प्रकाश राणा पहुंच चुके हैं 16 रन पर, उठा के मारने की कोशिश, वहां पर स्लिप पर फील्डर मौजूद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान में जाती हुई। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए,
अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिव पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए तेरी झलक। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर जाती हुई 8 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटंस, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान वीरेन पटेल की धुआंधार पारी की बदौलत स्कोर 96 पर पहुंचा दिया है। पेवलियन एन से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे मुकेश राणा, सामना करेंगे रोशन वेंगड़े। और इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद को पोस्ट कर दिया, कवर पर फील्डर मौजूद। तापमान का पारा थोड़ा गिरता हुआ 18 डिग्री सेल्सियस। इस बार ऑफ्सम से बाहर की गेंद को कट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी खूबसूरत चौके के साथ प्लानर टाइटंस के 100 रन पूरे 101 रन। प्रकाश राणा ने बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, पोल किया वहां पर, कैच जरूर था, ड्रॉप हुआ है यहां पर, जीवनदान मिलता हुआ प्रकाश राणा को। डीप मिड विकेट क्षेत्र में कैच ड्रॉप होता हुआ। के सहारे गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जब तक उसे फील करते बहुत तेजी के साथ 2 रन भाग चुके हैं दोनों बल्लेबाज। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। इन बॉल वहां पर रोशन वेंगड़े का महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी मुकेश राणा द्वारा, सीधे यॉर्कर गेंद गेंद थी। रोशन वेंगड़े जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक, उनका विकेट हासिल किया। प्लानर टाइटंस को लगने वाला ये दूसरा झटका था रोशन वेंगड़े के रूप में, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं पीयूष भाई पटेल।
टीम के ऑनर पीयूष भाई पटेल। मुकेश राणा की अगली गेंद, पीयूष भाई पटेल ने पूरे सम्मान के साथ उसे खेल दिया वहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटन्स। मुकेश राणा की 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। पेवलियन छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे हितेश राणा आए हैं। सामना करेंगे प्रकाश राणा। पटकी हुई गेंद को प्रकाश ने खेल दिया, गेंद हवा में जरूर थी और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार चौका प्रकाश राणा के बल्ले से निकलने वाला तीसरा चौका, 25 रन पर पहुंच चुके हैं। इस बार फील से जगह बनाए, खेल दिया दी उसको अलग के सर के ऊपर से जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 6 रनों का, बहुत ही खूबसूरत छक्का। इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया है 114 रन। प्रकाश राणा भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए अपनी टीम के लिए 31 रन पर पहुंच चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं पीयूष भाई पटेल। इस बार कवर ड्राइव पर गेंद जाती हुई, फील्डर उसके पीछे भागते हुए 1 रन बहुत तेजी के साथ पूरा कर लेंगे। दूसरा रन लेंगे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पहले वीरेन पटेल का चक्रवात आया था, अब प्रकाश राणा ने अपने बाजुएं खोली हैं। फुल टॉस गेंद थी, सीधे विकेट के ऊपर के हाथों में कोई रन नहीं। फिर से ड्राइव कर दिया वहां पर, 1 रन बहुत तेजी के साथ पूरा करेंगे। दूसरा रन लेना चाहते थे प्रकाश राणा, मना कर दिया वहां पर पीयूष भाई पटेल ने। वापस 1 रन के साथ प्रकाश राणा पहुंच चुके हैं 36 रन और टीम का स्कोर बढ़ चुका है 119 रन 10वां ओवर प्रगति पर। पीयूष भाई पटेल काफी क्रिकेट का काफी तगड़ा अनुभव, औसम से बाहर काफी तेज गति की गेंद की थी वहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, हमारे राजू प्रोग्रामर बता रहे थे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद की गई थी आखिरी गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटन्स। आज का ये खेलने जाने वाला ग्रैंड फिनाले मैच दीदी स्पोर्ट्स सेंटर पर। IPL का ये जो म्यूजिक है जो आगाज करता हुआ डीडी स्पोर्ट्स सेंटर पर ग्रैंड फिनाले का मैच चल रहा है। दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान, दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ खूबसूरत लगता हुआ ये ग्राउंड, चारों तरफ रोशनी फैली हुई और प्रेक्षक आनंद लेते हुए इस मैच का। गेंदबाजी पेवलियन छोर से मनीष पटेल अपने कोठे का तीसरा ओवर लेते हुए और पारी की ओर से 11वां ओवर।
अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी बाहर गिरी थी वहां पर गेंद, मनीष पटेल की ये गेंद। इस बार फुल टॉस बना के हाफ ओवर खेल दिया, कवर पर फील्डर मौजूद दीप कपूर, जब तक उसे फील्ड की हल्की मिस फील, इसी दौरान दूसरा रन भी बहुत तेजी के साथ पूरा करते हुए प्रकाश राणा और पीयूष भाई पटेल, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। मनीष पटेल की इस गेंद को खेल दिया फॉलो थ्रू में, खुद से फील किया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। पीयूष भाई पटेल कुछ गुफ्तगू करते हुए प्रकाश राणा से, तगड़ा अनुभव क्रिकेट का, काफी ज्यादा मैच खेल चुके हैं। इस बार फुल टॉस बना के खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हैं। यहाँ पर पीयूष भाई पटेल, इस साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा है, काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं इस साल। और इस बार आते ही छक्के के साथ स्वागत करते हुए मनीष पटेल का बेहतरीन छक्का। बहुत ही खूबसूरत छक्का काओ कॉर्नर पर लगाया पीयूष भाई पटेल ने, और इस बार फुल टॉस बना के कलायो के सहारे गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की ओर। डीप मिडविकेट क्षेत्र का फील्डर ने, जब तक उसे फील करते हैं लंबे लंबे कदमों के साथ एक रन पूरा करेंगे, एक रन के साथ टीम का स्कोर भी बढ़ाएंगे। 123 रन दो विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पकड़, मनीष पटेल के द्वारा पवेलियन छोर से सामना करेंगे प्रकाश राणा। इस बार गेंद हवा में जरूर, फील्डर उसके नीचे, और कोई गलती नहीं की, प्रकाश राणा की पारी की समाप्ति होती हुई। नरेश भाई चकलासिया कुछ अपने अलग ही अंदाज में डांस करते हुए, यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया था उनका डांस, बाद में आपको भी इनाम से नवाजा जाएगा नरेश भाई। 10 ओवर 11 ओवरों की समाप्ति पर 130 रन 10 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटन्स। प्रकाश राणा ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 29 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का शामिल। उनके जगह नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं विक्रम सेन आए हैं। पवेलियन छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे राहुल राणा आए हैं अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए। राहुल राणा की पहली ही गेंद पर विक्रम सेन का विकेट मिलता हुआ। टाइ टाइ
विक्रम सेन बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन में जाते हुए चौथा विकेट का पतन होता हुआ प्लानर टाइटन्स को, और उनकी जगह पर नए बल्लेबाज आए हैं, चेतन राणा आए हैं। बहुत ही सुंदर कैच वहां पर विकेट कीपर के पीछे लिया था तेजस पटेल ने। पक्की हुई गेंद, चेतन राणा गेंद हुआ में फील्डर उसके नीचे, और आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ यहां पर मुकेश भाई राणा के हाथों से ये मैच छूटता हुआ। लगता है फ्लश लाइट की उनकी आंखों में आई थी शायद, अगर ये कैच हो जाता तो प्लानर टाइटन्स की आधी टीम पेवलियन में लौट जाती, लेकिन सुरक्षित चेतन राणा। और बेहतरीन छक्का वहां पर पीयूष भाई पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। और इस बार खेल दिया गेंद हवा में फील्डर उसके नीचे, बहुत ही खूबसूरत कैच जलपेश वगैरह के हाथों में। पीयूष भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ राहुल राणा को, छह गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए, दो शानदार छक्के, काफी बेहतरीन फॉर्म में थे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं पटकी हुई गेंद को पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए कवर पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर रुका हुआ है 137 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर प्रगति पर राहुल राणा के द्वारा। इस बार जयदीप ने खेल दिया, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर जब मौजूद, एक रन के साथ ही संतुष्ट मान लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पर 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर प्लानर टाइटन्स। दर्शक मित्रों ने एक सूचना छे के आपणे जमवा जाओ छो त्यारे पोतानो कार पंचिंग करीने जजो। इनिंग ब्रेक में फरीथी पाछू मोटी स्क्रीन पर स्क्रेनिंग थशे अने जे कोई पण विजेता हशे एने एक आकर्षक इनाम आपवामां आवशे। अहींथी कैमरामेन
मेहमानों का पिक्चर कवर करते हुए योगेश सोरठिया के साथ। अगली गेंद पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए गेंद जा रही है, मिडविकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते एक रन। फुल टॉस गेंद थी, चेतन ने उसे खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद राहुल राणा, जब तक उसे फील करते अपना छोर बदल चुके थे चेतन पटेल, चेतन राणा सॉरी। हाफ वॉली पर गेंद को पोस्ट किया, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते एक रन। 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर। इस बार खेल दिया चेतन ने, गेंद आ रही है मिड विकेट क्षेत्र में, हल्की सी मिस फील और 4 रनों का भुगतान, अंपायर का इशारा 4 रनों का। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश, वहां पर हल्की सी अपील जरूर की थी तेजस ने, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। इस बार पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पोजीशन से फील्डर उसे फील करते। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका है 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मैं सुनील पटेल आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रमेश भाई पटेल। धन्यवाद सुनील जी। 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति पर जयदीप खेल रहे हैं 3 पर, चेतन खेल रहे हैं 6 पर। 12 गेंदों का खेल शेष। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली थी, घूमकर मारना चाहते थे, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 145 रन। सामना कर रहे हैं जयदीप 3 पर और राहुल राणा अब तक 26 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। इस बार फुल लाइन डिलीवरी थी, एकदम बाहर निकला, गेंद को पुश किया ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे जयदीप। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड ऑन, थोड़ा सा वाइड इस डीप मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग, ये ऑन साइड की फील्ड, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ कवर गली थर्ड मैन, इस फील्डिंग की सजावट के साथ हवा में उछाला है, 2-2 फील्डर 3-3 फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बैट्समैन। कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए यहां पर चेतन राणा, स्कोर पहुंचा 146 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 146 फॉर 5 विकेट्स, 14th ओवर इन प्रोग्रेस।
DDBL 2022 Grand Finale match at DD Sports Center. Planner Titans won the toss and decided to bat first. एक छोटी सी बच्ची और इस बार घूम कर मारना चाहते थे. टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी थी ये गेंद, संपर्क नहीं, कोई रन नहीं. एक क्यूट सी गुड़िया जायंट स्क्रीन पर दिखती हुई आनंद ले रही है इस क्रिकेट मैच का. और इस बार गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते लॉन्ग ऑन के फील्डर. तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन. एक टू व्हीलर नी चावी बप्पूर नी मळी छे, जेनी पण होय ते आवीने लई जाय, नहीं तो मैन ऑफ द सीरीज नी जे बाइक आपवामां आवशे तेनी साथे आ चावी पण गिफ्ट मां आपवामां आवशे. राहुल राणा ना बॉल ने गोम ना दियो रा दर उछाळ्यो ने भाई नेचे आई गयो टोपी वालो भाई अने आउट थई गयो. गोमना दियोर जयदीप भाई 5 मिनिट मैदान ऊपर उभा रहा, 8 दड़ा नो संपर्क कर्यो, 4 रन बनाई पाछा गया महर्षि पारेखे भाई कैच जीली लीधो. 14 ओवर पूरी थई सन, 149 रन थया, 6 जना आराम कर रॉबिन मेहतान जोड़े बैठा बधाई. અને ગોમના દિયરે ધોકાણું વેજ્યું, બબ્બે જણા નેચે પણ કોઈનો ચાન્સ નહીં ભાઈ. અંપાયર કહે છે છો રન. આયા હે રાજા લોગો રે લોગો, રાજા કે સંગ સંગ ઝુમલો ઝુમલો. આયા હે રાજા લોગો રે લોગો, રાજા કે સંગ સંગ ઝુમલો ઝુમલો. શેરો તો મેં હું શેરિયારો, અરે જોઈએ ના બુક્સા દલેર યારો. ભારત કા ભવિષ્ય યહાં પર આનંદ લેતા હુઆ. हमारे बीच में श्री भरत भाई चलुड़िया पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं धर्मनंदन परिवार की तरफ से डीडी स्पोर्ट्स सेंटर में. और इसी के साथ 150 रन पूरे यहां पर प्लानर टाइटंस के. और इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था बॉलर के ठीक सामने, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑफ साइड फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते. तब तक हल्के हल्के कदमों के साथ 1 रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन प्रियेश पटेल. 2 गेंदों में 7 रन, छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका. और इस बार गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, बहुत ही अच्छा थ्रो लेकिन बैकअप कर रहे थे फील्डर, ओवर थ्रो जरूर हुआ था, पैर पे लगी थी ये गेंद. स्कोर पहुंचा 157 रन 6 विकेट के नुकसान पर. इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला था, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं खुल सके. ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ओवर पिच गेंद मिली थी, एक कदम बाहर निकाला, मौका टाला.
और इस बार ऑन साइड में घूमकर मारना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आए थे बैट्समैन प्रियेश पटेल। चार गेंदों में 11 रन, एक चौका और एक छक्का शामिल। इस इनिंग्स का आखिरी गेंद लेकर जा रहे महर्षि पारेख, इसके बाद एक ओवर बाकी। और इस बार कट करने का प्रयास किया था, 16 ओवर का फाइनल मैच है यहां पर। अब तक टूर्नामेंट में सभी मैच 15 ओवर्स के थे। हमारे बीच में डॉक्टर चेतन भाई मोरड़िया उपस्थित हैं, हम उनका धर्मनंदन परिवार का डीडी स्पोर्ट्स सेंटर में स्वागत करते हैं। डॉक्टर चेतन भाई मोरड़िया, हमारे कैमरामैन भावेश प्रदीप गजेरा, लाल भाई, धर्मेश भाई, ललित भाई और जिग्नेश वेकरिया ग्राउंड पर, और ड्रोन पर त्रुपेश वालाणी। गेंदबाजी करने के लिए आए फेनिस कंसारा पवेलियन छोर से, और इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी थी गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, विकेट के पीछे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन। 162 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 16th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैक फुट पर जाकर गेंद को खेल दिया है, जा रही लॉन्ग ऑफ बाउंड के बाहर 4 रन के लिए। फेनिस की गेंद को हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन, हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करके सामने वाले छोर पर। 167 रन, 6 विकेट के नुकसान पर प्रियेश पहुंचे 16 पर, चेतन खेल रहे हैं 11 पर। और इस बार हवा में गेंद, तीन तीन फील्डर के बीच में सेफ लैंडिंग। एक सौ 168 रन, आखिरी दो गेंदे बाकी। आमंत्रित मेहमान भोजन कक्ष में भोजन के लिए जा सकते हैं। इस बार आगे आकर लॉफ्टेड ड्राइव किया 6 रन के लिए। डीप मिडॉन के ऊपर से खेल दिया था, बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का। राजू प्रोग्रामर बता रहे थे कि 78 मीटर लंबा छक्का था। इस बार प्रियेश पटेल ने बैकफुट पर जाकर कट किया है, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। हेलो, हियर इज कंप्लीट स्कोर कार्ड, प्लैनेट टाइटंस इन 16 ओवर्स, प्रकाश राणा कॉट, राहुल राणा बोल्ड, मनीष पटेल फॉर 39, वीरेन पटेल क्लीन बोल्ड बाय मनीष पटेल फॉर 67, रोशन वेंगड़े क्लीन बोल्ड बाय मुकेश राणा फॉर 10। दर्शक मित्रों ने खास सूचना कि अहिया तमे मोटी स्क्रीन पर जोई सको छो, स्क्रीनिंग थवा जाई रही छे અત્યારના ઇનામનું। સ્કેનિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે, અહીંયાથી જે કોઈ પણ વિજેતાનું નામ જાહેર થશે એને એક
આકર્ષક ઇનામ આપવામાં આવશે. પહેલો ઇનામ જાય છે ભાવેશ ડી પીપલિયા, મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, ઈ કોડ નંબર 356. ભાવિક ડી પીપલિયા, મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, ઈ કોડ નંબર 356. બીજું ઇનામ માટે સ્ક્રીનિંગ થાય છે, મોટી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો. દરેક દર્શક મિત્રો, 10 મિનિટ કા બ્રેક હૈ. દોનો ટીમ સે નિવેદન હૈ કે 7:45 મે આપકી એન્ટ્રી મેદાન પર હોગી. બીજું ઇનામ છે જિગ્નેશ કુમાર એમ કલસડિયા, મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇકોટ નંબર છે 3674, 3674. જિગ્નેશ કુમાર એમ કલસડિયા, મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, બીજું ઇનામ. ચંદુભાઈ એ પ્રજાપતિ, ફેન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ, ઈ કોડ નંબર 3251. ચંદુભાઈ એ પ્રજાપતિ, ફેન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ, ઈ કોડ નંબર 3251. ચોથું ઇનામ જાય છે ગિરીશ પી વછાણી, એડમિનિસ્ટ્રેટર, ઈ કોડ નંબર 3022. ગિરીશ પી વછાણી, એડમિનિસ્ટ્રેટર, ઈ કોડ નંબર 3022. આપણે અહીંયા સ્કેનિંગ કર્યું એના વિજેતા નામ ફરી એકવાર હું જાહેર કરું છું. ગિરીશભાઈ પી વાછાણી, ઈ કોડ નંબર 3022.
અને ચંદુભાઈ પ્રજાપતિ ઇકોટ નંબર 30251 બીજા બે ઇનામ જે હતા એ લઈ ગયા છે. આ બે ઇનામ હજી બાકી છે. ગિરીશ પી વાત और यहाँ पर 179 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई पहुंची है एडीपी वॉरियर्स. और इस बार गेंद को उठा दिया है डीप बैकवर्ड्स पहले बाउंड्री की तरफ. अंपायर का इशारे का इंतजार, 6 रन का इशारा. आशीष ये देखने का नहीं रे बाबा, सिर्फ नाचने का. और इस बार एकदम बाहर निकला, हल्के से पुश किया, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं. अच्छी गेंदबाजी कर रहे चेतन, जलपेश के बल्ले से निकला हुआ छक्का. और इस बार गेंद करने का इंतजार किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, रन आउट होने का खतरा हो सकता था. જમવામાં જે દર્શકો બાકી છે તે રસોડા તરફ સાદર આમંત્રિત છે. તેજસ સામના કરેંગે ચેતન રાણા કી અગલી ગેંદ કા. બાનવી ગેંદો મેં 172 રન કા બહુત લંબા બડા સ્કોર. और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर गिरीश भाई का. बाएं हाथ से ओवर द विकेट कर रहे बाएं हाथ के बैट्समैन को चेतन राणा. दर्शकों ने विनंती तेमना बालकों ने दूर रखसो. और इस बार ऑफ स्टंप को कवर किया, जाने दिया
और वाइड का इशारा अंपायर का। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाली थी एक गेंद चेतन राणा ने। और इस बार गेंद खाने का इंतजार किया, फ्लिक कर दिया था गेंद को, लेकिन फील्डर मौजूद स्क्वायर लेग पर कोई रन नहीं। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 9 रन्स विदाउट लॉस। और इस बार गेंद को खेल दिया था कवर के ऊपर और कैच लपक लिया, पहला विकेट का पतन, तेजस आउट होकर वापस पवेलियन में। पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन एक विकेट के नुकसान पर एडीपी। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया और ये आउट लगातार, दो गेंदों में दो विकेट। यहां पर पीयूष भाई पटेल को मिलने वाली सफलता। जल्पेश वाघेला के रूप में दूसरा विकेट का पतन एडीपी वॉरियर्स का। 9 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रारंभिक जोड़ी वापस पवेलियन में। एक शिक्षा करती हुई एडीपी वॉरियर्स यहां पर बड़ी मुश्किल में। राजेश राणा और राहुल राणा के कंधों पर पूरा दारोमदार। गेंदबाजी करने के लिए तैयार रेलवे छोर से पीयूष भाई पटेल। बहुत ही सुंदर आयोजन यहां पर डीडीपीएल 2022 का ग्रांड फिनाले मैच। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, घूमकर मारने का प्रयास किया था, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर गिरीश भाई का। टीम का स्कोर पहुंचा 2 अंकों में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कोई गलती नहीं कि इस ओवर में दूसरी विकेट और तीसरा विकेट का पतन एडीपी वॉरियर्स का। राहुल राणा के रूप में करारा झटका लगा यहां पर। यहां पर एडीपी वॉरियर्स काफी नाजुक परिस्थिति में। और हमारे स्कोरर स्टेटिस्टिशियन स्कोरर बता रहे थे कि पीयूष भाई पटेल ने अपने 200 विकेट पूरे किए हैं इस मैदान पर। पहली मैच में 80 रन बनाए थे पीयूष भाई, 81 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे और मैन ऑफ द मैच बनकर मैच जिताए थे। आज भी अच्छी पारी खेली थी सुबह में पीयूष भाई पटेल ने। बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बैट्समैन। और इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी एक गेंद। और
और एक बार फिर घूमकर मारने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा। और इस बार गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन फील्डर पहुंचे वहां पर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर की। रोशन वेंगड़े ने गेंद को फील्ड किया था, काफी लंबी दौड़ लगाई थी, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ तक पहुंचे थे। महर्षि पारेख सामना कर रहे अगली गेंद का, निश्चित रूप से 3 रन बचाए यहां पर। इस बार फ्लाइटेड गेंद, लेकिन दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। एक स्ट्रेटेजी है उनकी, और इस बार कवर के ऊपर से उठाकर खेला है, कवर के फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। खाता खोला महर्षि पारेख ने, पारेख पहुंचे 1 पर, राजेश राणा खेल रहे 1 पर। और इस बार लॉफ्टेड ड्राइव, रोशन वेंगड़े नीचे और आउट। पीयूष भाई पटेल के बड़े कामयाब ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 6 रन और 3 विकेट। यहां पर एडीपी वॉरियर्स की कमर तोड़ डाली है पीयूष भाई पटेल ने। नए बैट्समैन के रूप में मैदान पर पहुंचे हैं हितेश राणा। 1 राणा बाहर तो दूसरे राणा अंदर। चेतन राणा गेंदबाजी करते हुए, और इस वाले स्टंप के बाहर घूमकर मारने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंचा 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 16 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एडीपी वॉरियर्स इन डीप ट्रबल, रिक्वायर्ड 164 रन इन 84 डिलीवरीज टू गो। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव, 6 रन का इशारा अंपायर गिरीश भाई का। इस मैच का आनंद छोटे छोटे बच्चे डांस कर कर ले रहे हैं। और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेल दिया डीप मिडल क्षेत्र में, अंपायर का इशारा 4 रन का लगातार। महर्षि पारेख आक्रमक रुख अपनाए हुए खेलते हुए 4 गेंदों में अपना स्कोर पहुंचाए 11। और ये बोल्ड यहां पर 5वां विकेट का पतन, चेतन राणा को मिलने वाली दूसरी सफलता। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, शायद कोई करिश्मा कपिल देव जैसा कर दे। 1983 में भारत और जिम्बाब्वे के मैच में टनब्रिज वेल्स में भारत के 17 रन में 5 विकेट गिरे थे, तब भारत के कप्तान कपिल देव ने 175 रन की पारी खेली थी।
उस टाइम बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट सब स्ट्राइक पर थे, इसलिए उस मैच का कोई भी ऑफिशियल वीडियो नहीं है। लेकिन वो पारी भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी जरूरी थी। हो सकता है केसु भाई बांभणिया वही पारी यहां पर खेले। स्वयं केसु भाई बांभणिया के ऊपर पूरा दारो मदार, उनकी भी राशि कपिल देव की तरह क से शुरू होती हुई। और इस बार सही सम्मान देते हुए हल्के से पुश किया, और हमारे स्टेटिस्टिशियंस को और संवाददाता बता रहे थे कि केसु भाई का ये आखिरी टूर्नामेंट और आखिरी मैच। चेतन राणा की अगली गेंद, और इस बार सही सम्मान देते हुए बॉलर के ठीक सामने खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया चेतन राणा ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को आने दिया, कलाई के सारे मोड़ा था स्क्वायर लेग पर, वापिस भेजा हितेश राणा ने केसु भाई बांभणिया को। कामयाब ओवर की समाप्ति, चेतन राणा 2 ओवर 20 रन और 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति पर एडीपी वॉरियर्स का स्कोर 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 153 रन चाहिए 78 गेंदों में, रोबिन मेहता जैसे बैट्समैन की जरूरत। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, 6th विकेट का पतन। यहां पर काफी नाजुक परिस्थिति, बिल्कुल ऑक्सीजन पर पहुंच चुकी है एडीपी वॉरियर्स की टीम। उनको बॉनी मैसूरिया, रॉबिन मेहता, कमलेश घऊवेचू जैसे खिलाड़ियों की जरूरत। हालांकि योगेश सोरठिया को बुला सकते थे, लेकिन वो संन्यास ले लेते हैं। पीयूष भाई को मिलने वाली 4th सफलता। और इस बार बाल बाल बचे, फुल लेंथ डिलीवरी, बिल्कुल बीमर की तरह फेंकी थी ये गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का। और इस पर घूमकर मारना चाहते थे, लाइन में नहीं आए थे, किस्मत वाले रहे कि विकेट कीपर दूर थे। मनीष पटेल को अपना खाता खोलना बाकी, केसु भाई बांभणिया खड़े हुए देख रहे हैं वहां पर। और यहां पर बाल बाल बचे स्टंप आउट होते हुए, वरना पीयूष भाई की 5वीं विकेट हो सकती थी यहां पर। बिल्कुल एक तरफा मैच हो चुका है, अतिरिक्त में और बढ़ोतरी। और इस बार टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी थी, देखा और बल्ले को हटाया गेंद की लाइन से, कोई रन नहीं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, आने का इंतजार किया, कलाई के सारे मोड़ा, वहां पर डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर, तब तक 1 रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा किया।
9 रन अतिरिक्त है 29 रनों में। कामयाब ओवर की समाप्ति, पीयूष भाई 2 ओवर 9 रन और 4 विकेट। यह बॉलिंग एनालिसिस, क्रिकेट के प्रति उनका लगाव देखने को मिलता है। आज सुबह शादी समारोह से चार्टर फ्लाइट करके मैदान पर पहुंचे थे और पहला सेमीफाइनल मैच भी खेले थे और फिर वापस गए थे शादी में, फिर वापस आए फाइनल मैच खेलने के लिए। यही है क्रिकेट के प्रति लगाव एक खिलाड़ी का, वो है पीयूष भाई पटेल। गेंदबाजी में परिवर्तन, विक्रम सेन आए हैं रेलवे छोर से। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं लगी, वहीं पर रुकी, कोई रन नहीं। और ये बोल यहां पर विक्रम सेन को मिलने वाली पहली सफलता, मनीष पटेल आउट। एक अगत्यनी जाहिरात, एक सैमसंग नो मोबाइल अपना धर्मनंदन परिवार ना कोई मित्र नो खोवायो छे, जेने पण मळे तात्कालिक कॉमेंट्री बॉक्स में आपी जवा विनंती। अने एक टू व्हीलर नी चावी सवार नी अमारी पासे छे, घेर जता पहला छेल्ले अहीं आवीने लई जावी, नहीं तो राजू प्रोग्रामर ने आ चावी गिफ्ट में आपवामां आवशे। और इस बार गेंद को आने दिया, जाने दिया, विकेट कीपर के पास हाथ से निकलती हुई गेंद, एक रन पूरा किया, वाइड का इशारा अंपायर का। कैमरामैन भार्गव प्रजापति अपने स्टील कैमरे में कैद करते हुए। दो रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर पहुंचा 31 रन। और इस बार पैर पे लगी, हल्की सी अपील जरूर की थी वहां पर पीयूष भाई पटेल ने। और इस बार केशु भाई ने सही सम्मान देते हुए विक्रम सेन ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। जे जमवामा बाकी छे ते जमवा माटे आमंत्रित छे। सैन की एक गेंद को घूम कर मारा है, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। तीन तीन खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेग बाय का इशारा अंपायर का। और इस बार पैर पे लगी, कोई अपील नहीं, कोई रन नहीं। एक ओवर 2 रन और 1 विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस विक्रम सेन का। और
और इस बार काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, गेंद ऊंची उठी थी। वीरेन पटेल की गेंद को नीचे दबाया, कोई रन नहीं, विकेट कीपर ने कैदर किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 147 रन चाहिए 64 गेंदों में। कोई चमत्कार ये मैच को जिता सकता है एडीपी वॉरियर्स को। तापमान का पारा गिरता हुआ 18 डिग्री सेल्सियस। और इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही डीप बैकवर्ड्स को एलेक पर, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन। केशु भाई खाता खोला अपना। सोलह ओवर का मैच है, छठा ओवर चल रहा है। और इस बार बैकफुट पर जाकर पुश किया बॉलर के ठीक सामने। वीरेन पटेल ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। आज वीरेन पटेल ने तूफानी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। 25 गेंदों में 67 रन बनाए थे, 6 चौके और 6 छक्के। और इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा अंपायर गिरीश भाई का। और इस बार काफी तेज गेंद थी, राजू प्रोग्रामर बता रहे थे पिछली गेंद 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी वीरेन पटेल ने। वीरेन पटेल के ओवर की समाप्ति, एक ओवर 2 रन और कोई विकेट नहीं। छोटे बच्चे आज बढ़िया डांस कर रहे थे, अभी जियान मकवाना डांस करता हुआ, बिना संगीत के भी डांस करता है जियान मकवाना। और इस बार घूम कर मारने का प्रयास, पीयूष भाई अपने कोटा का तीसरा ओवर लेकर रेलवे छोर से। फ्लाइटेड गेंद थी और घूम कर मारने का प्रयास, जोरदार अपील वहां पर। केशु भाई तैयार, और इस बार हवा में जरूर थी इसलिए मिड ऑफ पर फील्डर थोड़े दूर थे। पीयूष भाई इस विकेट में जो टर्न व्हील रहा है पूरा फायदा उठाते हुए। एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप के बाहर, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, कोई रन नहीं। और ये बोल केशु भाई के भाई पटेल के खाते में। मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदिया किया, सारी मधुशाला पिया। और यहां पर हितेश भाई पटेल साथ में सूरत के सुपुत्र और रणजी ट्रॉफी प्लेयर चिराग भाई गांधी मैच का आनंद लेते हुए। ईश्वर भाई धोलकिया गोल्डी सोलार के चेयरमैन, संजय भाई विराणी, विपुल काका,
और पूरा परिवार यहां पर घूमता हुआ मैच का आनंद लेता हुआ। और इस बार चकलासिया की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, ट्रॉफी घूमती है यहां पर नरेश भाई चकलासिया। और इस बार गेंद को हल्के से पुश किया जयेश काका के ऊपर, पूरा दारो मदार उनके कंधों पर, आधी टीम को आउट कर चुके हैं पीयूष भाई पटेल। 3 ओवर 10 रन और 5 विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस पीयूष भाई पटेल का। After 7 overs, EDP Warriors 35 runs for the loss of 8 wickets. James Tundia को अपना खाता खोलना बाकी, जयेश काका खेल रहे एक पर। और इस बार जयेश काका ने घूम कर मारा है गेंद, जा रहे डीप स्क्वायर लेग पर, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। और इस 1 रन के साथ जयेश काका के 8000 रन पूरे। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, कलाई के सारे मोड़ा, विकेट कीपर ने जाकर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। और इस बार गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद थी, पहले बल्ला घूमा बाद में गेंद आई रोशन वेंगड़े की, एक गेंद। और इस बार कट करने का प्रयास किया था, किस्मत वाले रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर, आठवां ओवर चल रहा है। और यहां पर ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। पीयूष भाई पटेल हस्तधुनन करते हुए हमारे मेहमानों के साथ, ईश्वर भाई ढोलकिया अपने चीर परिचित अंदाज में, चिराग भाई गांधी मुस्कुराते हुए। मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहां पर चमचमाती मोटरबाइक पल्सर, और विजेता टीम को पर्यावरण और स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बाइसिकल दी जाएगी प्लेयर्स को। प्लानर टाइटंस बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलते हुए, और ये बाइसिकल हमारी कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने नजर आती हुई आपको। अल्फा और चमचमाती हुई बाइसिकल भी यहां पर, अल्फा कंपनी की बाइसिकल, और हमारे वॉलंटियर्स नरेश भाई चकलासिया के, आशीष लक्कड़ के और मयूर जाधव की टीम।
और इस बार जयेश काका ने घूमकर मारने का प्रयास किया था, हालांकि उनका पर्सनल माइलस्टोन जरूर अचीव हुआ, 8000 रन बनाए उन्होंने अपनी कारकिर्दि में। और इस बार बैकफुट पर जाकर पोस्ट किया, कोई रन नहीं। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे वॉलंटियर्स की पूरी टीम। और इस बार बैकफुट पर जाकर दिशा दिखाई गेंद को, पॉइंट और कवर के बीच में से एक रन भागकर पूरा किया जयेश काका ने। आपके जॉइंट स्क्रीन पर जो दिख रही है वो ट्रॉफी नरेश भाई चकलासिया और उनकी टीम की आइडिया है, घूमती हुई नजर आ रही है वो ट्रॉफी। सो नाइन्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 39 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और इस बार घूमकर मारा है लेकिन वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन गेंद को रोका जरूर, निश्चित रूप से 3 रन बचाए वहां पर। एक सौ 39 रन चाहिए 44 गेंदों में और 2 विकेट शेष। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हवा में उठाकर खेला था लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक एक रन लेकर सामने वाले छोर पर। अथर्व चकलासिया और इस बार सही सम्मान देते हुए केवल पुश किया था ऑफ साइड में, एक रन पूरा किया हल्के हल्के कदमों के साथ जेमिस टुंडिया ने। भड़ियाद यूनिवर्सिटी के जाने माने ऑलराउंडर जेमिस टुंडिया। After 9 overs, EDP Warriors 42 runs for the loss of 8 wickets. और इस बार ऑफ्रम के बाहर की गेंद, जाने दिया विक्रम सेन अपना दूसरा ओवर लेकर पवेलियन छोर से। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर, कवर और लॉन्ग ऑफ, यह ऑफ साइड की फील्ड। फुल टॉस गेंद थे, गेंद को दिशा दिखाई, पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। पीयूष भाई आज 5 विकेट लेने के बाद वापस आते हुए। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कमर तोड़ दी थी ईडीपी वॉरियर्स की। पीयूष भाई पटेल ने 5 विकेट लेकर आधी टीम को वापस लौटा दिया था पवेलियन में। फुल टॉस गेंद थी, हल्के से पुश किया, कोई रन नहीं। विक्रम सेन पवेलियन छोर से। इस बार जेमिस टुंडिया ने गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। जो मोटर बाइक लेकर आ रहे आपको किसान के रूप में नजर आते होंगे लेकिन वो है निकुंज गजेरा। और ये बोल्ड यहां पर पता नहीं चला जेमिस टुंडिया को, ऑफ स्टंप के ऊपर की बेल सूढ़ती हुई 9वां विकेट का पतन।
विक्रम सेन की एक गेंद को फुल लेंथ डिलीवरी थी, हल्के से पुश किया, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं। कामयाब ओवर की समाप्ति विक्रम सेन के। सो आफ्टर 10 ओवर्स एडीपी वॉरियर्स 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। नए बैट्समैन पहुंचे हैं फेनिस कंसारा। જમવામાં જે દર્શક બાકી છે તે લોકો જમવા જઈ શકે છે, અને જે બાઉન્ડ્રી લાઇન પર બેઠા છે તેમને વિનંતી કે થોડા દૂર બેસો અને વિજેતા ટીમ પીચ ઉપર ન જાય। ઓર ઇસ વાર ગેંદ ટપ્પા ખાને કે બાદ બહાર કી તરફ નીકળી થી વાઇડ કા ઇશારા, યોગેશ સોરઠિયા નજર આતે હુએ જાયન્ટ સ્ક્રીન પર। वीरेन पटेल अपना तीसरा ओवर करते हुए पवेलियन छोर से 67 रन की पारी खेली थी, 6 छक्के और 6 चौके लगाए थे अपनी पारी में वीरेन पटेल ने, और अपना अर्धशतक उनकी धर्म पत्नी को उन्होंने डेडिकेट किया था। और इस बार जयेश काका ने कट करने का प्रयास किया, कोई रन नहीं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पर जाकर कट किया है, गेंद जा रही है डीप कवर पर, फील्डर मौजूद, एक रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा किया जयेश काका ने। दर्शकों ने विनंती कोई ग्राउंड नी अंदर नहीं आवे मैच जीत्या पछी। अने आपने 11 खिलाड़ियों ने आउट करवाना छे एटले कोई वेला अंदर न आवे, આ સૂચના જરાક જાણ માટે। ઓર ઇસ બાર હવા મે ઉઠાકર ખેલા હૈ કેચ છૂટા, એક રન પૂરા કિયા ફેમિસ કંસારા ને। સ્કોર પહોંચા 46 રન 9 વિકેટ કે નુકસાન પર। और इस बार फुल टॉस, गेंद को कलाई के सारे मोड़ा था, विक्रम सेन गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक एक रन पूरा कर चुके थे जयेश काका। काफी अच्छी गेंदबाजी वीरेन पटेल की, 3 ओवर 10 रन और कोई विकेट नहीं। पिछली ओवर में केवल 3 रन खर्च किए थे वीरेन पटेल ने। 132 रन चाहिए 30 गेंदों में। अगर जयेश काका अपने आक्रामक रुख अपनाकर खेल सकते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अंपायर का स्कोर पहुंचा 48 रन। जयेश काका खेल रहे हैं 7 पर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ निकली थी गेंद। स्कोर पहुंचा 49 रन 49 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 12th ओवर इन प्रोग्रेस। દર્શકોને વિનંતી, આમાં 11 ખેલાડીઓને આઉટ કરવાના છે એટલે કોઈ
અંદર નહીં જશે. और इस बार संजय की गेंद को खेल दिया था ऑफ साइड में, गेंद को फील्ड किया कवर के फील्डर ने, कोई रन नहीं. शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कट करने का प्रयास, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन कोई रन नहीं. स्कोर अभी भी रुका हुआ 49 रन 9 विकेट के नुकसान पर. और इस बार हवा में उठी है गेंद, विक्रम सेन को छकाती हुई, 1 रन मिला यहां पर, 50 रन पूरे. एडीपी वॉरियर्स का स्कोर 50 रन 9 विकेट के नुकसान पर. चेस काका पहुंचे 8 पर, फैनिस खेल रहे 1 पर. केवड़िया की गेंद को कट किया है, लेकिन डीप कवर में प्रोटेक्शन, केवल 1 रन मिलेगा यहां पर फैनिस कंसारा को. स्कोर पहुंचा 51 रन 12 ओवर की समाप्ति पर. केवल 128 रन चाहिए 24 गेंदों में. नेशनल साउंड के जरिए हमारे आवाज अब तक पहुंच रही है. और इस बार गेंद को खेल दिया है वाइड इस मिडॉन क्षेत्र में, डीप मिडॉन से गए फील्डर विक्रम सेन, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे फैनिस कंसारा. और इस बार ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी जयेश काका के, वरना 6 रन के लिए बाउंड लाइन के बाहर होती. और इस बार जयेश काका ने खेला, लेकिन विक्रम सेन मौजूद. जयेश काका से निवेदन है कि आप खेलिए मैदान पर, क्योंकि ये नो बॉल था. थर्ड अंपायर ने नो बॉल करार दिया है यहां पर. हेलो हेलो. और जयेश काका अपना मोबाइल शायद देने के लिए जा रहे हैं, शायद वो भी संन्यास लेना चाहते हैं. नो बॉल करार दिया था अंपायर ने. और हितेश भाई पटेल मैदान पर आते हुए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए. हितेश भाई पटेल के ऊपर पूरा दारोमदार, केवल 127 रन चाहिए 22 गेंदों में. कुछ भी हो सकता है हितेश पटेल भाई जैसे खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हो तो. इस बार फैनिस कंसारा ने कट करने का प्रयास किया था, कोई रन नहीं. और इस बार लॉफ्ट एट आए सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास. अभी भी 1 विकेट, नो बॉल दिया है अंपायर ने यहां पर. पीयूष भाई पटेल थर्ड अंपायर मौजूद हमारे कमेंट्री बॉक्स में. फैनिस कंसारा आप नॉट आउट है, आप खेलिए. हितेश भाई पटेल ने फील्डिंग का मुआयना किया और तैयार सामना करने के लिए अगली गेंद का. गणेश गेंदबाजी कर रहे पवेलियन छोर से. और इस बार गेंद को उठाकर मारा है, गेंद जा रही है
डीप मिड विकेट पर एक रन पूरा किया, 100 का स्ट्राइक रेट। हितेश भाई पटेल के ऊपर पूरा दारो मदार। टीम का स्कोर पहुंचा है 55 रन। हमारे वॉलंटियर्स की टीम यहां पर मौजूद, बिल्कुल चौकन्ने वॉलंटियर्स। नरेश भाई चकलासिया की टीम, आशीष लक्कड़ की टीम और मयूर जाधव की टीम, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और इस बार हितेश भाई ने जाने दिया विकेट कीपर के लिए, कोई छेड़खानी नहीं की बाहर की गेंद पर। हमारी कैमरा टीम भावेश, प्रदीप गजेरा, लाल भाई, धर्मेश भाई, ललित भाई और मैदान के हमारे कैमरामैन साथ में लेकर घूमते हुए जिग्नेश वेकरिया, ड्रोन कैमरे पर त्रुपेश वालाणी। गेंदबाजी करने के लिए तैयार पवेलियन छोर से संजय केवड़िया। और इस बार हितेश भाई ने जाने दिया, कोई रन नहीं। और इस बार हवा में उठाकर खेला था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा किया। इसी के साथ हितेश भाई के 11,000 रन पूरे। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। हितेश भाई 11,000 रन बनाने में 224 मैचों का योगदान है, उसमें 6 बार नॉट आउट रहे थे। और इस बार हवा में उठाकर खिलाया, कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद, 4 रन के लिए फैनिश कंसारा। और इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार आगे आकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूके, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, स्कोर 64 रन, आखिरी जोड़ी मैदान पर। वाइड का इशारा अंपायर का, छोटे छोटे बच्चे अभी भी डांस करते हुए। और जियान मकवाना यहां पर गॉगल्स लगाकर, और इसी
के साथ एडीपी वॉरियर 2022 की चैंपियनशिप बांगर टाइटंस बन गई है एडीपी वॉरियर्स को हराकर। बांगर टाइटंस दर्शकों ने विनती मैदान ऊपर न जसो दर्शकों से निवेदन है कि पीच से दूर रहे। एक नया कीर्तिमान यहां पर प्लानर टाइटंस का चैंपियंस टीम 2022 की पहली बार फाइनल में पहुंची थी ये टीम और चैंपियन बनकर बाहर निकल रही है प्लानर टाइटंस की टीम। आतस सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में प्लानर टाइटंस चैंपियन 2022। घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल्दी भाई। दर्शकों ने विनती पीच थी बद्दा दूर रहो नहीं तो विजेता टीम ना $20,000 कापी लेवामां आवशे। प्लीज बद्दा दूर रहो त्यांथी। दरेक खिलाड़ी ने विनती के पीच नी आजूबाजू गोठवाई जाए। रॉबिन मेहता ने विनंती तेमनी टीम त्या उभी रही जाए। 122 रन से मैच जीतकर प्लानर टाइटंस 2022 का चैंपियंस टीम बनकर बाहर उभरा है। पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी और चैंपियंस बनी है प्लानर टाइटंस की टीम।
हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो इट्स टाइम फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। बधाने विनंती के ग्राउंड पर उपस्थित रहे। आपने बहु जल्दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन नी सेरेमनी नु आयोजन करेल छे, जेथी जल्दी थी स्टार्ट करीने वेली तके लॉकडाउन ना टाइम ने ध्यान में राखीने पूर्ण थाय एवी अपेक्षा राखीए छीए। सो बधा ग्राउंड पर उपस्थित रहे। हूँ विनंती करीश अपना मेहमानों अने अपना डीडीपीआर ने के तेओ स्टेज उपर पोतानो स्थान હું વિનંતી કરીશ આપણા મહેમાનોને કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે। ઉપેન્દ્ર કાકા, જનકભાઈ, ડોક્ટર ચેતનભાઈ, એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે। અને હું વિનંતી કરીશ હિતેશભાઈ, પિયુષભાઈ, વિપુલ કાકા, જયેશ કાકા, સંજયભાઈ, પ્રકાશભાઈ તેમજ શૈલેષભાઈને કે સ્ટેજ પર સ્થાન ગ્રહણ કરે। સૌ પ્રથમ સૌથી પહેલો એવોર્ડ, સૌથી ફર્સ્ટ એવોર્ડ આપણે રાખ્યો છે ડાન્સ માટેનો, બેસ્ટ ડાન્સરનો। તો આ વર્ષે ડીડીપીએલ 2022માં બેસ્ટ ડાન્સરનો એવોર્ડ જાય છે એક નાની એવી બાળકીને જેમનું નામ છે હેતસ્વી। હું વિનંતી કરીશ હેતસ્વી કે એમના ફાધર સાથે સ્ટેજ પર પોતાનો એવોર્ડ લેવા આવે। હું જેમનું નામ લઉં એમને મહેરબાની કરીને વિનંતી કે તેઓ જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પર આવે, જેથી કરીને આપણે ટાઈમ પર આ સેરેમની ક્લોઝ કરી શકીએ। એવોર્ડ લેવા આવનારને થોડી જગ્યા આપવા વિનંતી આગળથી સ્ટેજ કરીશ કે તેઓ હેતસ્વીને એવોર્ડથી નવાજે। નેક્સ્ટ એવોર્ડ છે, આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ એવોર્ડ રાખ્યો છે બેસ્ટ કેચ। આ વખતે કેચ જોઈને જ આપણે મેનેજમેન્ટે નક્કી કર્યું કે આ વખતે કેચના એવોર્ડ રાખવા છે, જેથી કરીને બેસ્ટ કેચનો એવોર્ડ રાખવામાં આવ્યો છે। જે એવોર્ડ જાય છે એક સિંગલ હાથે બાઉન્ડ્રી પર સિક્સ રૂપને કેચ પકડેલો ભાવેશ રાણા, ભાવેશ રાણા। હિતેશભાઈ ભાવેશ રાણાને એવોર્ડ આપશે। નેક્સ્ટ એવોર્ડ છે ત્રણ બોલમાં ત્રણ સિક્સ, ત્રણ બોલમાં ત્રણ સિક્સ મારવાવાળી એક જ ટીમના ત્રણ પ્લેયર છે અને એ છે વિનિંગ ટીમના ત્રણ પ્લેયર રોશન વાંગણે, વિક્રમ સૈન અને ચેતન રાણા। એક પછી એક ત્રણ પ્લેયર એવોર્ડ કલેક્ટ કરશે। હું વિનંતી કરીશ ઉપેન્દ્રભાઈને અને
પ્રકાશ ભાઈ ને અને સંજય ભાઈ ને કે તેઓ વન બાય વન એવોર્ડ આપશે. જે રીતે પ્લાનર ટાઇટન્સે આ ટુર્નામેન્ટ જીતી છે એ રીતે સૌથી પહેલું મોટા એવોર્ડ સ્ટાર્ટ કરતા સૌથી પહેલી સ્ટાર્ટ કરશું મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ ફોર ફાઇનલ મેચ. જે જાય છે જેમણે 5 વિકેટ લીધી છે પિયુષભાઈ પટેલ. હું હિતેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પિયુષભાઈને એવોર્ડ આપશે. પિયુષભાઈ એક ટ્રોફીનું બહુ મોટું કલેક્શન બનાવી રહ્યા છે એટલે એક પણ એવોર્ડ મૂકતા નથી. નેક્સ્ટ એવોર્ડ ઇઝ ફોર બેસ્ટ બોલર. બેસ્ટ બોલર લગભગ બધાને ખ્યાલ જ હોય કે કોણે સૌથી વધારે વિકેટ લીધી છે. વિક્રમ સેન 10 વિકેટ. વિપુલ કાકાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બેસ્ટ બોલરનો એવોર્ડ વિક્રમ સેનને એનાયત કરશે. નેક્સ્ટ એવોર્ડ બેસ્ટ બોલર હોય તો એની પછી બેસ્ટ બેટ્સમેન જ હોય. બેસ્ટ બેટ્સમેનનો એવોર્ડ જાય છે જે લગભગ બધી મેચમાં રમેલો ભાર્ગવ મીઠાઈવાલા. જયેશ કાકાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બેસ્ટ બેટ્સમેનનો એવોર્ડ આપશે. તેમણે મીઠાઈ વેચી વેચીને 3 દિવસ ગ્રાઉન્ડ પર રંગ લાવી દીધો ભાર્ગવ મીઠાઈવાલા. નેક્સ્ટ એવોર્ડ 2 વર્ષ પહેલા આપણે નવા ઉભરતા ટેલેન્ટને જોઈને આ એવોર્ડ કેટેગરી ડિફાઈન કરી હતી. પણ આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ. સો ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ DDPL 2022 ગોઝ ટુ પ્રકાશ રાણા. લગભગ 5-5 મેચમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે અને નાનો મોટો સ્કોર કરીને ટીમનું આશા જીવતી રાખી છે અને ફાઇનલ સુધી પહોંચાડી છે પ્રકાશ રાણા. પિયુષભાઈને વિનંતી કે તે પ્રકાશ રાણાને એવોર્ડ આપશે. એવોર્ડ માટે 1 મિનિટ એક્સ્ટ્રા લઈને હું 2 લાઈન કહીશ. પહેલા DDPL નું આપણે જેટલા વર્ષથી આયોજન કરીએ છીએ તેમાં સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટિંગ કર્યું ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ જરૂરિયાત હોય, 1 મહિના પહેલાંની પ્રિપરેશન હોય જેમાં ઘણા બધા આયોજન કરવાના હોય, ટ્રોફી સિલેક્શન, ટીમ સિલેક્શન, પ્લેયર સિલેક્શન અને છેલ્લે ટાઈમ ટેબલથી માંડીને મેચનું આયોજન કઈ રીતે કરવું તેવું મેનેજમેન્ટ સાથે હંમેશા આપણી સાથે જ હોય છે અને આજ સુધીની દરેક મેચમાં એમની ટીમે કંઈક ને કંઈક યોગદાન આપીને મનોરંજન પૂરું પાડ્યું છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આ વખતે એમની ટીમ ખૂબ આગળ નથી વધી શકી અને ફાઇનલમાં ન પહોંચી શકી, સેમિફાઇનલમાંથી નીકળી ગઈ. તો એના માટે આપણે બેસ્ટ કેપ્ટનનો
આપવા જઈ રહ્યા છે જે આપણે ડીડીપીએલ ની હિસ્ટ્રીમાં પહેલી વાર આપવાના છીએ. સો શૈલેષભાઈ ને વિનંતી કે બેસ્ટ કેપ્ટન નો અવોર્ડ કેયુર પંચાલ ને એનાયત કરશે શ્રી શૈલેષભાઈ. નેક્સ્ટ એવોર્ડ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ. મોટા મોટા એવોર્ડ જ્યારે મેચ પૂર્ણ થયા બાદ, ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ થયા બાદ સિલેક્શન કરતા હોઈએ, જેથી કરીને આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઓફ ધી ટુર્નામેન્ટ એવોર્ડ પણ આપીએ છીએ દર વર્ષે. તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઓફ ડીડીપીએલ 2022 ગોઝ ટુ કમલેશ ગૌવેચુ. શ્રી પ્રકાશભાઈ ગોટીને વિનંતી કે કમલેશ ગૌવેચુને આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સનો એવોર્ડ એનાયત કરશે. મેન ઓફ ધ સિરીઝ, ત્રણ દિવસથી એ ગાડી જોતા જોતા મને થઈ ગયું કે મારે ક્રિકેટ રમવી પડશે તો એકાદી વાર ગાડી મળે એવો એવોર્ડ. મેન ઓફ ધ સિરીઝ કે આખી ટુર્નામેન્ટમાં ખૂબ જ સારી રીતે પરફોર્મન્સ કર્યું હોય એ જ મેન ઓફ ધ સિરીઝના હકદાર થાય. તો ડીડીપીએલ 2022માં પાંચે પાંચ મેચમાં જે ખૂબ જ સારી રીતે રમ્યા છે અને પોતાના ટીમને આગળ લાવવામાં ખૂબ જ મહેનત કરી છે, એ પછી રન મારવાના હોય કે વિકેટ કરવાની હોય કે ફિલ્ડિંગ કરવાની હોય કે પછી કેપ્ટનસી કરવાની હોય, તો મેન ઓફ ધ સિરીઝ એવોર્ડ ગોઝ ટુ વિરેન પટેલ. હું હિતેશભાઈ અને પિયુષભાઈ બંનેને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મેન ઓફ ધ સિરીઝ નો એવોર્ડ આપશે. હવે ફાઇનલ એવોર્ડ્સ તરફ જઈએ એ પહેલાં બે નાના નાના એવોર્ડ આપણે આપી દઈએ. એક સ્પિરિટ એવોર્ડ આપણે રાખ્યો છે, જેનો એવો મતલબ છે કે આ એવા વ્યક્તિ છે કે જેમને હંમેશા સવારથી સાંજ, પછી એ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, મહિના દોઢ મહિના પહેલાં ગમે ત્યારે જરૂર હોય ત્યારે પણ ગ્રાઉન્ડ પર હાજર હોય, અને ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એમનું સિલેક્શન થાય કે ન થાય તેઓ હંમેશા ઉત્સાહ વધારવા માટે, પ્લેયર્સને સપોર્ટ કરવા માટે ગ્રાઉન્ડ પર હાજર જ હોય છે. તો એવા સ્પિરિટ એવોર્ડ્સ માટે, સ્પિરિટ એવોર્ડ્સ માટે હું આમંત્રિત કરીશ દેવ ઠક્કર અને રાજેશ લાઠિયા. આ બે એવા વ્યક્તિ છે કે હંમેશા અહીંયા હાજર જ હોય છે અને ખૂબ જ સપોર્ટ કરે છે. ઘણી વખત એમનું સિલેક્શન પણ નથી થયું તેમ છતાંય તે ખૂબ જ એવોર્ડમાં આપણને સહકાર આપે છે. જનકભાઈ અને ટીકુ કાકાને વિનંતી કે તેઓ બંનેને એવોર્ડથી નવાજશે.
exclusive remix by DJ Cowpush. नेक्स्ट अवॉर्ड फॉर रनर्स अप, एवरीबडी नोज के रनर्स अप नी टीम्स कौन छे, जेमने लास्ट मोमेंट सुधी खूबज हिम्मत थी अने खूबज स्पिरिट देखाड़ी ने फाइनल में पोतानु स्थान नक्की कर्यु। खेल में हारजीत होवानी छे, बन्ने टीम क्यारेय जीतवानी नथी, एक टीम जीते अने एक टीम हारे। ईडीपी वॉरियर्स जे एवुं नाम छे के नामथी ज सामेवाळी टीम ने बीक लागे, अने घणी बधी वखत ईडीपी वॉरियर्स आ टूर्नामेंट जीत्यू छे। कदाच त्रण वखत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, त्रण वखत ईडीपी वॉरियर्स डीडीपीएल टूर्नामेंट जीतेलू छे। आजे एमनु स्थान रनर्सअप में छे, काले कदाच पाछो ए फाइनल मैच जीतीने चैम्पियन बनी शके। तो हूँ रनर्सअप टीमना कैप्टन केशुबापाने विनंती करीश के पोतानी टीम साथे एक एक व्यक्ति आवीने पोतानु मेडल ग्रहण करे। रनर्सअप टीम ईडी वॉरियर्स। તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે રનર્સઅપ ટીમને સન્માન વધારતા રહેશું। रनर्सअप की ट्रॉफी ग्रहण करवा माटे हूँ ईडीपी वॉरियर्स ना कैप्टन केशुभाई बांबणिया ने विनंती करीश के तेवो पहला एकला आवीने ट्रॉफी ग्रहण करशे, पछी आपणे टीम साथे फोटो लेशु। ईडीपी वॉरियर्स की टीम स्टेज पास आवशे। It's time for final award, champion of DDPL 2022, ladies and gentlemen, Planner Titans. Planner Titan na captain Viren Patel ne vinanti ke teo ek ek karine potanu medal grahan karse. Viren Patel. Oh,
પ્લેનર ટાઇટન ની ટીમ ફર્સ્ટ ટાઈમ DDPL ટુર્નામેન્ટ જીતી છે આજે. પ્લેનર ટાઇટન ને અત્યાર સુધી અંડરડોગ માનવામાં આવતું હતું અને અચાનક આવીને કપ લઈ ગઈ. જેમ મેં કીધું એમ કે પિયુષભાઈ ટ્રોફી અને મેડલ કલેક્શન બનાવી રહ્યા છે. ધર્મનંદન ડાયમંડ્સ હંમેશા પર્યાવરણના ધ્યાન રાખવાના તમામ પ્રયત્નો પાછળ તત્પર હોય છે, જેના ભાગરૂપે આપણે આ વખતે અને ગયા વર્ષે પણ મેન ઓફ ફાઇનલ જે ચેમ્પિયન ટીમ એવોર્ડ તરીકે રાખીએ છીએ. તો હું દરેક શેઠશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દરેક પ્લેયરને સાયકલથી નવાજે. અને ટાઇટનના દરેક 13-13 પ્લેયરને વિનંતી કે એક એક સાયકલ પર ગોઠવાઈ જાય. હેલો, નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ લિફ્ટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોન્યુમેન્ટ અવેલેબલ ઓન ગ્રાઉન્ડ, ધેટ ઇઝ ધી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી. તો હું સૌથી પહેલા પ્લાનર ટાઇટનના કેપ્ટનને વિનંતી કરીશ કે ચેમ્પિયનની ટ્રોફી ગ્રહણ કરે. વિરેન પટેલ, હું વિનંતી કરીશ હિતેશભાઈ, પિયુષભાઈ, સંજયભાઈ, પ્રકાશભાઈ કે તેઓ ચેમ્પિયન ટ્રોફી પ્લાનર ટાઇટનને એનાયત કરશે. પ્લાનર ટાઇટન ની ટીમ ને ટ્રોફી સાથે જોડાવા વિનંતી. You are my reason, I still believe. You are my
ટીમના પ્લેયરને વિનંતી કે તેઓ નીચે બેસી જાય જેથી કરીને પાછળ શેઠ શ્રીઓ પણ જોડાઈ શકે. કેશુભાઈ ને વિનંતી કે અવોર્ડ સ્ટેજ પાસે આવશે. કેશુભાઈ પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની ક્લોઝ કરીએ તે પહેલા હું હિતેશભાઈને પાડે. શ્રી હિતેશભાઈ પટેલ બોલો. બધાને મજા આવી? પણ ગ્રાઉન્ડમાં બધા નીકળી ગયા બહાર? ઓકે, બહુ સરસ આયોજન બધા આયોજન કરતા હોય કર્યું. જેટલા જેટલા આમાં આયોજનવાળા છે, યોગેશ, હિતેશ, બાકીની બધી ટીમ જે પણ સોફ્ટવેર સાઇડ છે, અનાઉન્સ, અમ્પાયર, એવરીબડી ડીડ અ ગ્રેટ જોબ. અને આ વખતે મેં કાંઈ ધ્યાન જ નથી, પણ બેટર કર્યું આ લોકોએ, એટલે બહુ આનંદની વાત છે. અને જે ટીમ જીતી અને એને કોંગ્રેચ્યુલેશન પહેલાં તો. અને મેઇન તો 8, એટલે ત્યારથી જ અમને થોડું એવું લાગતું હતું કે સામેવાળી ટીમ થોડી દબાઈ જશે, પણ વધારે પડતી દબાઈ ગઈ. અમારે પિયુષભાઈએ 5 વિકેટ લીધી. મેં કીધું થોડો થોડો રમવા દેવું તો બધાને મજા આવે ક્રાઉડને. પણ જો જીતા વહી સિકંદર, મેચ એ મેચ, એમાં પછી એટલે એમાં આપણે એમ કહીએ કે રમવા દો, એ કોઈનું સાંભળે નહીં. કંપનીમાં સાંભળવું પડે, પણ અહીંયા તો કોઈનું નહીં સાંભળે. અને જે જયેશ કાકાની ટીમ છે, એમણે પણ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, અને દર વખતે લગભગ એમની ટીમ ફાઇનલમાં આવે જ છે. એ પણ ખૂબ સારી વાત છે. અને મેઇન તો તમે મૂળ પહેલાં જ, આપણે પહેલાં ચેતનભાઈ આવ્યા હતા, એણે કીધું, ચેતનભાઈ કે ચિરાગ જે આપણે રણજી ટ્રોફીમાં રમ્યા એ ભાઈ, એટલે એણે એમ જ કીધું કે ખેલ દિલ્હી કે અને પૂરેપૂરું જોશથી રમવાનું. એટલે ઓટોમેટિકલી ભલે આપણે હાર જીતની પાછળ પડીએ ને, તો આપણે પોતે જ મનથી નર્વસ થઈ જઈએ કે ભાઈ હવે શું થશે, કેમ થશે. પણ ગ્રાઉન્ડમાં જ્યારે બી તમે પોતે રમવા આવો, હાર જીત સાઈડમાં મૂકીને રમો ને, તો મારા હિસાબે લગભગ સ્કોર 100% તમારે આટલો લો તો ન જ થાય. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ બધાને, જેટલા જેટલા પ્લેયર છે કે કોઈ પણ બીજા પણ એરિયામાં, લોસ તમારો કોન્ફિડન્સ નહીં થવા દેવાનો. મેઇન
ફોકસ તમારે જે બેટ હાથમાં આવ્યું છે એને કેમ તમારે બોલને મારવાનો એના ઉપર જ ફોકસ રાખવાનો, બાકી બધું જવા દેવાનું. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ જે પણ હાર્યા છે, બીજી બધી ટીમ જે છે 6-8 ટોટલ ટીમ હતી, એમાં અમારી પણ ટીમ હતી, બધા ડાયરેક્ટરોની એક એક ટીમ વેચેલી, તો એ પણ અમારે બધા હારી હારીને અમે લોકો પહેલાં જ આઉટ થઈ ગયા. પણ બધા જેટલી ટીમ છે એ બધાને ફોર નેક્સ્ટ યર, આપણે તો આ દર વર્ષે આયોજન કરીએ જ છીએ, તો નેક્સ્ટ યર માટે બધાને અગાઉથી તમને અભિનંદન આપું છું અને ગુડ લક કહું છું. બધા જ ફાઇનલમાં આવો અને બધા જ જીતો. થેન્ક યુ સો મચ. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ ખૂબ આભાર હિતેશભાઈ. હવે આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ આગળ વધીએ તે પહેલાં હું ક્વિકલી આભાર વિધિ કહીશ, જે ઓલરેડી હિતેશભાઈએ બધાને મેન્શન કરી જ દીધા છે. તેમ છતાંય જે જે લોકોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં એક મહિનાથી જે મહેનત કરી છે તે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આનાથી પણ બેટર આપણે આવતા વર્ષે ટુર્નામેન્ટ કરીએ તેવી આશા સાથે જય હિન્દ, જય ભારત, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ બધાને. ફ્રેન્કલી આ વખતે નક્કી કરેલું, કારણ કે આમ જોવો ને તો 3-4 વર્ષથી મારે કાંઈક કાંઈક ઇન્જરી હોય છે, એટલે આ વખતે નક્કી હતું કે, કારણ કે છેલ્લા 3 વખતથી સેમિફાઇનલમાં આઉટ થઈ જતા હતા, એટલે પહેલા દિવસથી નક્કી હતું કે ભાઈ આજે તો સાયકલ પર બેસવું જ છે. અને આ લોકોને હું મોટિવેશનમાં બી કહેતો હતો કે ભાઈ આપણે ગમે એમ કરીને છેલ્લે સાયકલમાં બેસવું છે, એટલે મહેનત કરવી પડશે, એમને આમ સાયકલ પર નહીં બેસાય. અને એક એક મેચમાં ખરેખર બહુ ફાઇટ કરવી પડતી હતી, એટલે એકદમ ઇઝી નહોતું. બહુ ચિરાગભાઈ બી કીધું કે તમે ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હોય બંને ટીમ, એટલે હારી જાય તો મુરઝાવવું બી નહીં અને જીતી જાય તો બહુ હરખાવવું બી નહીં, એટલે બેલેન્સમાં રહેવાનું. બસ જય સ્વામિનારાયણ. આ વખતે ઘણા કો ઇન્સિડન્ટ થયા. હું કોઈ દિવસ ટોસ જીતતો નથી, વિરેન 5-5 ટોસ જીતો. અને કેયુરની ટીમ 129 અને 128 ત્રણ મેચમાં, લીગ મેચમાં સેમ સ્કોર હતો, એટલે આમ ઘણા કો ઇન્સિડન્ટ થયા. પ્લાનર ટાઇટન તમને થોડો બેનિફિટ થયો, કારણ કે ઓન કેશુભાઈ 5-5 ટોસ હાર્યા, અચ્છા તો બી ફાઇનલમાં આવ્યા, તો આ બી કો ઇન્સિડન્ટ થયો. તમને પ્લાનર ટાઇટન, વિરેન, વિકી, તમને બેનિફિટ તો થાય છે, કારણ કે ઓનર હું જ્યારે રમતો અને આ વર્ષે થોડું ફોર્મ સારું છે, ઘણા વર્ષોથી ટ્રાય કરું છું કે ભાઈ બેટ, મારી ડોટર મને ઓલવેઝ કહે પાપા તમે બોલિંગ બહુ સારી નાખો, બેટિંગ તમારું ઓકે છે, પણ આ વખતે તો બી સેકન્ડ હાઈએસ્ટ સ્કોરમાં હું છું, એટલે મારા મોઢે વખાણ નથી કરતો. એનીવે આ ટુર્નામેન્ટમાં બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ ભાઈ. હજી કોઈ ડાયરેક્ટર કોઈ બોલે તો અમને આનંદ થશે. શૈલેષભાઈ, અરે એક વાર કોઈ પણ ટીમ જીતે આપણે શૈલેષભાઈને ટ્રોફી આપવાની છે. ઓકે, અશોક પાટના શૈલેષભાઈ તરફથી રમશે, શૈલેષભાઈની ટીમમાં રમશે નેક્સ્ટ યર. ઓકે, લોકડાઉનના ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખીને સહી સલામત બધા ટાઈમ પર ઘરે પહોંચી જજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય સ્વામિનારાયણ. સેઠશ્રીઓનો અને ફેમિલીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ.